हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाय गाइस, कैन यू हेयर मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? लेट मी नो। ऑलराइट, सो क्लास बिगिंस वेरी सून, क्लास बिगिंस वेरी सून। व्हाट्स अप? हेलो बच्चा लोग, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल? अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, राइट? ऑल माय ब्यूटीफुल सेलर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड यस, टुडे वी विल डू, अच्छा मैं दिखा देता हूँ वैसे, वी विल डू सरफेस केमिस्ट्री। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस नो हु आई एम। माय नेम इज हर्ष महेश्वरी, आई एम फ्रॉम एनआईटी वारंगल, एंड यू गाइस नो व्हाट डू आई बिलीव इन। जो करो मजे से करो। एंड यस, आई एम ऑल्सो दिस व्हेन आई एम नॉट टीचिंग, तो मैं ये सब चीजें भी कर लेता हूँ। एंड यस, टुडे वी विल डू सरफेस केमिस्ट्री, कूलॉइड्स। आर वी रेडी फॉर इट? इन द चैट बॉक्स एवरीवन विल लेट मी नो, इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ऑलराइट, जोश कैसा है भाई? एनर्जी कैसी है? जल्दी से बताओ, हाउ इज द एनर्जी, हाउ इज द जोश? इन द चैट बॉक्स, वी आर अबाउट टू फिनिश वन मोर चैप्टर ऑफ योर 12th क्लास केमिस्ट्री। वाओ, ऑसम, एनर्जी हाई है। दोस्तों को बुलाओ यार, इतने कम बच्चे क्यों देख रहे हैं? कम ऑन, हमने दोस्तों को बुलाओ। लेट्स स्टडी एंड यू नो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। एवरीवन, कॉल अप योर फ्रेंड्स, कॉल अप योर पीपल, वी विल डू द लास्ट लेक्चर। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक दिस वीडियो इमीडिएटली। देखो, अगर आप यहाँ पर नए हो एंड यू नो यू आर लाइकिंग व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन दिस चैनल, यू डेफिनेटली नीड टू सब्सक्राइब, यू डेफिनेटली नीड टू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अच्छा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ बेटा। इस प्रोग्राम में, ये जो एलीट लाइफ प्रोग्राम है बेटा, इसका स्केड्यूल भी दिखाऊंगा, 12th क्लास में हम हर चीज कवर कर रहे हैं, मेन से लेकर एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक उठाते हैं, है ना। हर एक चैप्टर कवर किया गया है, यू कैन सी, हमने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सुन लीजिए, हम हर सेशन के बाद डीपीपी भी आपके साथ शेयर करते हैं, और हर सेशन में एक्चुअली डीपीपी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड रहता है, तो हर सेशन का डीपीपी आप सॉल्व करते हो, फिर उस पे बेटा हम उस डीपीपी के बेस्ट प्रॉब्लम्स उठा के एक सेशन लेते हैं, डीपीपी प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम पूरी उठाते हैं वो, राइट, टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम नाम देते हैं उस सेशन को। और साथ ही साथ बेटा उसी चैप्टर का फिर हम पीवाईक्यू भी करते हैं, वी ऑल्सो डू पीवाईक्यू ऑफ इट, राइट। तो पहले कंटेंट पढ़ते हैं प्रॉपर, उसका पूरा थ्योरी दी जाती है, क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर उसके टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम की आपको रिवीजन कराते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो आपने अपने असाइनमेंट में किए थे हम उन्हें सॉल्व भी करते हैं, फिर लास्ट में पीवाईक्यू करते हैं। तो ये पूरी सीरीज का टाइम टेबल भी मैंने आपके सामने रख दिया है। एंड यस, योर सूरी सर इज बैक, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सूरी सर की क्लास भी लगाई होगी। सो सूरी सर, आप देख सकते हो वापस आ गए हैं, यू नो आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है, आज इसको खत्म कर रहे हैं, कूलॉइड्स खत्म कर देंगे। हमने कूलॉइड्स की चर्चा कर ली थी, हल्की सी डिस्क्रिप्शन उसका दे दिया था मैंने लास्ट सेशन में कि कूलॉइड्स होते क्या है, आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया, सही है। तो आपका यूट्यूब से पूरा यू नो हर एक चीज कवर कर रहे हैं बेटा, हर एक चीज कवर कर रहे हैं, मेन से लेकर एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर हाई फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट्स आपको हम पूरे समझाते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो पता होना चाहिए था, एक बार बता दिया, अगर आप नए हो तो आज पता लग गया है, कॉन्स्ट्रक्ट समझ आ गया है इस एलीट लाइफ प्रोग्राम का। ठीक है, बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया, बढ़िया लगा। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, बता दो कि हाँ सर मजा आ रहा है। एक बार सारे बच्चे इन द चैट बॉक्स गिव मी सम हार्ट, सम स्माइल कि हाँ सर, यस वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आपने, आई एम प्रीटी श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, यू हैव लाइक द वीडियो, ऑसम। और बच्चों जो यहां पर हैं एंड यू नो 2021 के मेरे फेवरेट बच्चे हैं, जो जेई 2021 को टारगेट कर रहे हैं, राइट, और जानते हैं कि इस टाइम पढ़ना चाहे थोड़ा ही सही बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, उन्हें इतनी बात की समझ है, और ये भी जानते हैं कि यार अगर मैं कुछ ऐसा मीडियम कर लूं कि मुझे क्वेश्चंस के थ्रू अपना कंटेंट रिवाइज करने को मिल जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। तो बेटा सुनना, ये क्रैश कोर्स में हम आपको पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, 90 पावर पैक सेशंस मिलने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, पूरी कंटेंट रिवाइज कराया जाएगा, खूब सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लास में, तो आप ऐसे भी रिवाइज करोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम हार नहीं माननी है, इस टाइम खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस टाइम जान लगा देनी है, राइट। जब दूसरे बच्चे ढीले पड़ जाते हैं आपको और मेहनत करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, यही करना है और यही आपको रिजल्ट देगा लास्ट में। और आप चाहते हो कि सीबीटी मोड पे मैं खूब सारे टेस्ट लिखूं, आपको बेसिकली 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर, 10 फुल टेस्ट, 10 फुल टेस्ट मतलब फुल सिलेबस पे, और 10 पार्ट टेस्ट,
तो आपका क्वेश्चन के थ्रू भी प्रॉपर रिविजन हो गया। प्रॉपर एनालिसिस बेटा, प्रॉपर एनालिसिस दी जाएगी, शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ, क्या एक्यूरेसी है आपकी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, कौन से टॉपिक में एक पर्टिकुलर चैप्टर में आप गलती करते हो, सारी चीजें बताई जाएंगी इस प्रॉपर टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो एनालिसिस बहुत डिटेल्ड है, तो ये सब चीजों का फायदा मिलने वाला है आपको। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 24 तारीख से शुरू हुआ है, एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दिया जाएगा आपको, आप उसको फॉलो करोगे, हर दिन पढ़ोगे ढंग से। अगर आप उस प्रॉब्लम के साथ अभी एक प्रॉब्लम है ना जो परसिस्ट कर रही है कि सर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, माहौल नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा लॉकडाउन हो गया और बहुत ज्यादा मेरा जो पोस्टपोनमेंट के थ्रू जो मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ा है काफी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना है, गो फॉर दिस। ये क्रैश कोर्स में हर चीज रिवाइज करा दिया जाएगा आप लोगों को, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर रोज पढ़ोगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कामयाबी के लिए, द थिंग दैट यू आर एमिंग फॉर। ठीक है, तो यस, गो फॉर दिस। ये बहुत प्यारा एक टूल है, बहुत बढ़िया रिविजन टूल है। ठीक है, और मेरे यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो रेगुलरली हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ गए हैं और जानते हैं कि सर मुझे काफी हद तक यहाँ से हर चीज मिल रही है, पर मुझे एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए। कोई बच्चा है यहाँ पर जो फील करता है सर मुझे एक एक्स्ट्रा मेंटोरशिप चाहिए, मुझे टीचर का सपोर्ट थोड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे अपने डाउट्स को प्रायोरिटी में सॉल्व कराना है क्योंकि मुझे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े थोड़े अभी भी रह जा रहे हैं सर, और मुझे इतना फील नहीं आ पा रही है, तो बेटा मैं आपको बोलूंगा अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हो एंड यू आर ओके कि एलीट लाइफ से सब कुछ हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मेजॉरिटी सारी चीजें सही हो रही है, तो डोंट वरी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टिक टू इट। बट अगर आपको फील कर आती है कि सर थोड़ा सा गाइडेंस ज्यादा मिल जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर मुझे मेरे डाउट्स को मतलब प्रायोरिटी मिले और उनको सॉल्व बहुत जल्दी से कर दिया जाए, साथ ही साथ मुझे टीचर की गाइडेंस थोड़ी ज्यादा चाहिए रहती है और मेरी 11th थोड़ी वीक है, कुछ यहाँ पर बच्चे भी होंगे 11th जिनकी वीक रही होगी, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा मेंटोरशिप चाहिए होती है, तो बेटा कम फॉर दिस प्रो, कम फॉर वेदांतु प्रो। बेटा यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शंस है आपको, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, सारी क्लासेस लाइव हैं, आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आपके आपको पढ़ाएंगे, आप सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, मेंटोरशिप टीचर की ज्यादा मिल जाती है, क्लास के अंदर आपके डाउट्स अनआंसर्ड ना रह जाएं, हमने एक क्लास टीचर एक्स्ट्रा रखा है विच विल मेक श्योर कि बच्चे के डाउट्स क्लियर हो। मास्टर टीचर तो आपको हर चीज समझाएंगे, हम हर चीज समझाएंगे पेड क्लासेस के अंदर, पर आपको एक एक्स्ट्रा मेंटोरशिप देंगे और 24/7 डाउट आपका सपोर्ट मिलने वाला है, आपको डाउट जितने भी आते हैं टेक अ पिक्चर, आंसर वुड बी गिवन टू यू। यस, यू कैन आल्सो रीच आउट टू योर मास्टर टीचर, दे आल्सो हेल्प यू आउट, तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मिल जाता है कि यार मुझे पता है मेरे को मेरा मास्टर टीचर पूरा ढंग से गाइड करेगा और आई विल परसिवियर और यहाँ पे मैं मेहनत करूंगा तो रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि रिजल्ट प्रॉपर आपके घर वालों के साथ शेयर होता है, जितने भी टेस्ट लेते हैं यहाँ पर CBT मोड पे होते हैं सारे टेस्ट, सारे घर वालों के पास आपके रिजल्ट जाते हैं और थोड़ा डंडा रहता है तो पढ़ाई भी अच्छी रहती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी आपको ऑप्शन है, यस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग, दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कि यार बच्चे को अगर लगता है कि सर मुझे कनेक्ट ज्यादा चाहिए, मेरी 11th थोड़ी वीक थी, अगर ऐसे यहाँ पर बच्चे हैं तो वी हैव ऑल्सो पर्सनल टीचर, एक पर्सनल टीचर आपको मिलेगा जो मेक श्योर करेगा अकेडमिक फ्रंट पे आपको कोई सा भी डाउट है इट इज आंसर्ड। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ फोन पे 24/7, हाउ ऑसम इज दैट। तो वो सारी चीजें लास्ट में बताऊंगा, प्लेटफॉर्म की फील भी दिखाऊंगा, सब कुछ लास्ट में। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तैयार हैं क्या? जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स, आर वी रेडी? यस, आर वी रेडी? बढ़िया, चलो बहुत सही। एक बार अटेंडेंस चेक भी दे दो, कितने बच्चे इस चैप्टर को पहला लेक्चर देख चुके हैं, आज दूसरा लेक्चर खत्म करने आए हैं, एक बार इन द चैट बॉक्स ऑल्सो लेट मी नो एनर्जी के साथ मुझे बता दो कि सर मैंने पहला लेक्चर देख लिया है, आज दूसरा लेक्चर खत्म करने है, और अगर कोई नया है तो लिख दो न्यू, मुझे पता लग जाएगा, अगर कोई नया है तो लिख दो न्यू, और अगर आप पुराना देख चुके हो मी लिख दो, उससे मुझे समझ आ गया है। करेक्ट, अगर नए हो तो जस्ट इन द चैट बॉक्स यू कैन से न्यू, I will understand. Very nice. चलो, काफी नए बच्चे भी हैं, तो आपको मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं यहाँ पर कि इधर हम सब चीजें कवर कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर आइडिया दिया है इस एलीट लाइफ के बारे में। चलो बहुत बढ़िया, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गो अहेड। तो लेक्चर नंबर 2 वी आर स्टार्टिंग। पहले कुछ क्वेश्चन से रिवाइज कर ले क्या, एक बार रिकॉल कर ले जो पुरानी चीजें पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड, कौन सा इंटरफेस कभी बन ही नहीं सकता, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस, क्या आंसर है?
गैस 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 कर कभी बन ही नहीं सकता, सारी गैसेस मिक्स हो जाती है, इंटरफेस बनेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर एडसॉर्प्शन की बात ही नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आंसर इज डी। याद है बच्चों को, क्लास में पढ़ाया था मैंने ये, वेरी नाइस। एक आपने व्हाइट चॉक लिया और उसको डिप कर दिया इंक के अंदर, तो कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही है, लेट मी नो कौन सी चीज सही है। आपने क्या काम करा है, व्हाइट चॉक को आपने डिप कर दिया इंक के अंदर। याद रखना, मैं इसको समझा देता हूं। जब आप एक चॉक को इंक में डिप करते हो ना, तो इंक के जो पिगमेंट, कलर पिगमेंट्स होते हैं, वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो पानी रहता है ना, अच्छा इंक के मीडियम में पानी भी रहेगा, अंदर पानी जाता है, एब्जॉर्प्शन होती है पानी की, एड्सॉर्प्शन होती है चॉक पे, चॉक के सरफेस पे आपके इंक की। तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कि इनसाइड ऑफ द चॉक विल रिमेन एज व्हाइट, ठीक है, वो व्हाइट ही रहेगा, वाइल द सर्फेस विल बी कलर्ड, बेसिकली कलर हो जाएगा, उसमें पिगमेंट्स, इंक के पिगमेंट्स आ जाएंगे, राइट। और पानी अगर जाता भी है अंदर, तो वो अंदर चला जाएगा, वो वाइट ही रहने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहां पर एडसॉर्प्शन हो जाएगी, मैंने यहां पर इंक का पानी के साथ कनेक्शन कर दिया, इंक और पानी मान लिया, मान लीजिए सिर्फ और आपके पास इंक है, तो बस वो कलर कर देगा बाहर, आपके सर्फेस पे एडसॉर्प्शन हो जाएगी, परफेक्ट। क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन, क्रोमैटोग्राफी के बारे में बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो 11th क्लास में। अगर क्रोमैटोग्राफी की बात की जाए, मान लीजिए आपकी इंक ही ले लीजिए, इंक बेटा बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, उसमें एक ब्लू कलर जो आप देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। एडसॉर्प्शन का क्या रोल है यहां पर, कुछ किसी को आइडिया? अब मेरी बात सुनना, क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हो, उन्हें सेपरेट कर सकते हो। इंक में मान लीजिए 6 कंपोनेंट थे, तो आप 6 के 6 को सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करोगे, क्या प्रिंसिपल रहता है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अलग रेट से एड्सॉर्ब होते हैं, अलग तरीके से एड्सॉर्ब होते हैं, कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है एड्सॉर्ब, राइट। तो आपको इसी तरीके से उन्हें सेपरेट करते हो, राइट। सो क्रोमैटोग्राफी इज अ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, तो इंक के कॉम्पोनेंट्स आप सेपरेट कर सकते हो क्रोमैटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी, क्लियर हुई ये बात। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जहां पर आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हो बाय यूजिंग डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, यही समझा दिया, बढ़िया, चलो बहुत सही। तो हमने पुराना रिकॉल कर लिया है, आ जाओ आगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। बेटा आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस आप बना सकते हो, कोलॉइड्स को सॉल्व भी बोलते हैं, सॉल्व भी आएगा तो आप परेशान मत होना, ठीक है, सॉल्व, ठीक है, तो उससे कभी परेशान मत होना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बेटा दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, लायो का क्या मतलब होता है बेटा, लायो मींस सॉल्वेंट, और फिलिक और फोबिक का तो मतलब पता ही होगा, फिलिक का मतलब होता है लविंग, और बेटा फोबिक का मतलब होता है व्हाट, हेटिंग। तो दिस इज सॉल्वेंट हेटिंग, दिस इज सॉल्वेंट लविंग। अगर आप बोल रहे हो सॉल्वेंट को पसंद करता है, यानी कि ये सॉल्व बड़े आराम से बन जाते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल प्रोटीन को पानी में डाल दो, स्टार्च को पानी में डाल दो, तो आराम से बन जाते हैं, घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक गम पानी में डाल दो, डिजॉल्व हो जाता है। लायोफिलिक कैन बी इजीली प्रिपेयर, दे आर इजी टू प्रिपेयर, दे कैन रिटेन, यू नो, अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर सकते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ होती है, आप इनको बना के छोड़ दो, शेल्फ लाइफ आराम से लंबे टाइम तक बने रहेंगे। पर वहीं पर मैंने यहां पर लिख दिया सॉल्वेंट हेटिंग, भाई इनको बनाना बहुत मुश्किल है, टेढ़ा काम है। और एक बार बना लिया आपने, उसके बाद ना अगर आप चाहो कि इसको मैं वापस हटा दूं और वापस फिर से रिवर्सिबल नहीं होता, कहने का मतलब आप अगर सॉल्वेंट को उड़ा देते हो और फिर कहते हो कि यार मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार बना दूं, क्योंकि बनने में तकलीफ आ रही है, तो इरिवर्सिबल रहता है ये प्रोसेस। ये वाला आप रिवर्सिबल होता है, बन जाता है, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फिर बना सकते हो, इट्स रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी सारे एग्जांपल पढ़ूंगा बच्चे, यहाँ मिल्क मिल्क लिखने लग गए, मैं सब पढ़ाऊंगा मिल्क के बारे में, थोड़ा सा सबर, सब पढ़ाऊंगा। नकली दूध कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, किसी को पता है, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई डोंट नो ये आपके हम इस टाइम पे नहीं होता है वैसे, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तब नकली दूध बड़ा फेमस था, बहुत फेमस था, मुझे एकदम से याद है, किसी ने मिल्क बोल दिया, नकली दूध बहुत बनता था, राइट, एडल्ट्रेशन बहुत होती थी, अब नहीं होता है, पर वो बनता कैसा था आज आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है, क्लास के एंड में आएगा वो बात। पाउडर्ड मिल्क लकटी मिल्क नहीं होता, पाउडर्ड मिल्क लकटी मिल्क नहीं होता, ठीक है,
नकली मिल्क मिलता है, बनता है, चलो छोड़ो अभी लास्ट में बताता हूँ, लेट्स नॉट गेट डेविएटेड. सो लायोफिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं आपके, ये बड़े ही आराम से बन जाते हैं, ईजी टू प्रिपेयर, क्वाइट स्टेबल, और इनको ऐसे एक वर्ड होता है डू नॉट कोएगुलेट. कोएगुलेट का मतलब ये पीपीटी नहीं बनाते, इनके जो पार्टिकल्स हैं एग्रीगेट करके नीचे नहीं बैठते. ठीक है, आपको एक बात याद कराई थी मैंने, स्कूलॉइड्स या फिर सॉल की बात कर लो, पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं. अगर पार्टिकल सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाए तो समझ जाना ये फिर ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं है, ये कोलॉइड भी नहीं है, ये सस्पेंशन है. ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात, क्लियर है? तो ये क्वाइट स्टेबल है, डू नॉट कोएगुलेट, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, प्रोटीन स्टार्च इन वाटर, प्रोटीन इन वाटर अच्छे एग्जाम्पल है. ठीक है, लायोफोबिक, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर मैंने बताया, कोएगुलेट कर जाते हैं, थोड़ा मुश्किल से बनते हैं, और अगर इनके पार्टिकल्स को टाइम दिया जाए, शेल्फ पे रख दो आप बनाकर, तो पार्टिकल्स इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाते हैं, कोएगुलेट कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. ठीक है, इररिवर्सिबल इन नेचर, थोड़े मुश्किल से बनते हैं. अगर आप कहो कि सॉल्वेंट उड़ा दूं अपने सॉल्यूशन से, वापस फिर से डालूं डिस्पर्जन मीडियम को उड़ा दूं, राइट, और फिर वापस डालूं डिस्पर्जन मीडियम, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से बनते हैं, राइट. ठीक है, तो दे आर इररिवर्सिबल इन नेचर, कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेना, सिंपल सी बात. और ऑर्गेनिक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए सारे ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स हैं, राइट. लायोफिलिक सॉल्ट्स आर जनरली क्रिएटेड बाय ऑर्गेनिक स्पीशीज, लायोफोबिक इज जनरली क्रिएटेड बाय इनऑर्गेनिक स्पीशीज. चला देख लीजिए, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, यहां पर गोल्ड होना चाहिए बेटा, वो मिस हो गया, गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल, ये क्या होता है मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना. सल्फर सॉल, देन योर, यहां पर पानी है, ठीक है, देन योर FeOH होल थ्राइस सॉल इन वॉटर, मैं समझाऊंगा ये क्या चीज है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी. थर्ड, गोल्ड सॉल, ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटा इसके, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, ऑल राइट, ये मुश्किल से बनते हैं. अगर आप बात करो लायोफिलिक को बनाना कैसे है, कुछ नहीं, बस अपने डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेस को घोल दो, मिला दो, बेसिकली आपको मिल जाते हैं. पानी ले लिया, पानी को गर्म करके उसमें प्रोटीन डालो, घुल जाएगा, स्टार्च भी घुल जाएगा, है ना, तो ये घुल सकते हैं, आराम से बन जाते हैं. दूध में पानी प्रोटीन डाल दो, आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा होगा, वो भी हो जाता है. समझ पा रहे हो ये बात, तो ये सारी चीजें वो हैं. कोल्ड वाटर ले लो, हॉट वाटर ले लोगे तो और जल्दी से काम हो जाएगा, सिंपल सी चीज. ठीक है, पर यहीं पर अगर हम बात करें लायोफोबिक सॉल की, ये थोड़े मुश्किल हैं, टेढ़े हैं, इन्हें बनाना थोड़ा सा टेढ़ा है, पर बन सकते हैं. कुछ मेथड्स वही पढ़ने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल. सबको समझ आ रहा है, सबको क्लियर होते हुए चल रहा है कि हाँ सर ये बातें समझ आ रही है. लायोफोबिक सॉल को बनाना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको अब समझ रहे हैं इस सेशन में. चलो बढ़िया, ऑल राइट ऑल राइट. थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, नहीं तो दिखेगा नहीं बच्चा. ऑल राइट, बढ़िया. अच्छा, अब आ गया सबसे पहला मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्जन. पहला मेथड क्या है बेटा, फर्स्ट मेथड इज मैकेनिकल डिस्पर्जन. इसमें बड़ा ही सिंपल तरीका है. अब देखो, गोल्ड को अगर मैं पानी में डालूं, गोल्ड का टुकड़ा लिया पानी में डाला, तो नीचे बैठ जाएगा ना यार, वो डिजोल्व थोड़ी होगा, पार्टिकल्स घूमते रहे थोड़ी रहेंगे सोल्यूशन के अंदर, नहीं ना. हमारे को चाहिए कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहें, अगर वो बैठ गए तो वो कोलॉइड नहीं है. ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, अब इसमें तरीका बड़ा सिंपल सा है. आपने क्या काम करना है, अपना सॉल, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया गोल्ड और पानी को, ये अपना जो हमारा सॉल था इसको डाल दिया. अभी गोल्ड का पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा था, मैंने एग्जांपल लिया है. अब आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशन को डाला, ये डिस्क ना बेटा दोनों ऑपोजिट घूमती रहती है, और ये डिस्क, डिस्क के बीच में आप अपना सॉल डाल रहे हो, और डिस्क इसको दबाने वाली है, डिस्क इसको दबाने वाली है, अभी घुले हुए नहीं है, मतलब आप बहुत ही खराब कंडीशन है. आपने क्या करा है, गोल्ड को आप बेसिकली तोड़ रहे हो छोटे छोटे फाइन पाउडर में, और वो किस रेंज में आ जाए, वो रेंज में आ जाए 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए, तो काम हो जाएगा मेरा. इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल रेंज. तो आप अपने बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा रहे हो, डिस्क के बीच में डालकर उनको प्रेस करवा रहे हो, और पार्टिकल का साइज छोटा कर रहे हो. यह ऐसे करोगे तो आपको सॉल मिल जाता है. समझ पाए, सिंपल सी टेक्निक है, बड़ी ही सिंपल सी टेक्निक है. बेसिकली आपके सॉल को दबाया जा रहा है प्लेट्स के बीच में, और उनको छोटा करा जा रहा है, पीसा जा रहा है. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सा, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं इसमें. बस इतना समझना है कि आपने इसको रेंज में लिया है, आप इसको रेंज में लिया है, बहुत बढ़िया, सिंपल, डन, ओवर. पर क्या अच्छा तरीका है, एक अच्छा तरीका नहीं है. अब चांसेस हैं कि वो गोल्ड वापस एग्रीगेट करके बैठ जाए, पर एक बनाने का तरीका ठीक ठाक है, ओके, थोड़ा रिस्पेक्टेड तरीका. ये मैकेनिकल डिस्पर्जन मैंने इसके बारे में लिख दिया है, राइट.
डिस्क है यहाँ पर, ये जो प्लेट्स थी ये रोटेट करती रहती है और ये दबाने वाली है, जो इसके बीच में आपका सॉल आ जाएगा और उसको दबाएगी, ये दोनों प्लेट्स पीस देंगी, छोटा पार्टिकल बना देंगी, बट नॉट अ वेरी इफेक्टिव वे। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ये दिस इज रेप्यूटेड, ये थोड़ा सा बढ़िया है। ब्रिडिक्स आर्क मेथड में क्या काम करने वाले हैं, अब मैंने यहां पर जनरली मेटल सॉल्स बनाते हैं, यहां पर जैसे गोल्ड का सॉल बना लिया, गोल्ड सॉल मतलब क्या है, या ये मैंने सिल्वर सॉल लिख दिया, सिल्वर प्लस वाटर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिल्वर सॉल, सिल्वर प्लस वाटर, यहाँ पे सिल्वर के छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं और वो आप देख नहीं सकते, आप उसे कोलाइडल रेंज में लेकर आ रहे हो, बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। ऐसे ही आप बेटा गोल्ड सॉल भी बना सकते हो। बेसिकली क्या कहने का मतलब है, ये मेथड जो है, ये जो मेथड है, ये जो मेथड है बेटा, ये मेटल सॉल्स बनाने में काफी इफेक्टिव है। क्या करते हो आप, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हो, दोनों पे हाई पोटेंशियल पास करते हो, कैथोड एनोड, हाई पोटेंशियल पास करते हो और इनको टच करा देते हो। दोनों ही सिल्वर के थे या फिर दोनों ही गोल्ड के थे, मान लीजिए दोनों गोल्ड के थे, आपने इन्हें टच करा दिया, फिजिक्स पढ़ते हो, पोटेंशियल हाई था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाएगा और इस हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ से बेटा जो आपका इलेक्ट्रोड था वो मोल्टन फॉर्म में बाहर निकलेगा। उस मोल्टन फॉर्म को आप जो उसकी गर्मी है उसे आप क्वेंच कर दोगे, क्योंकि आपने आइस बाथ भी रखी हुई है, दिस इज नथिंग बट आइस बाथ। तो बेसिकली वो जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे कर दोगे, ठंडे कर दोगे, मोल्टन फॉर्म को ठंडे ठंडे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दोगे, क्वेंच कर दोगे हीट को और आपको क्या मिल जाएगा, गोल्ड सॉल। तो एक अच्छा तरीका है, ब्रिडिक्स आर्क मेथड इस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबको समझ आ गया, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इफेक्टिव। इज दिस पॉइंट क्लियर, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेटल सॉल्स, मेटल सॉल बनाने में काम आता है। सिंपल सा मैंने तरीका आपको बता दिया भाई, मैं बता रहा हूँ, सुनते रहोगे ना आज की क्लास को, सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार बस इस सेशन को खत्म होने के बाद एक बार बस गो रीड योर एनसीईआरटी, यू आर सॉर्टेड, खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। एक दो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है वो पढ़ा दूंगा, बाकी आपको और ज्यादा फाइट मारना ही नहीं, सुनते रहो ढंग से, हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है, बढ़िया। चलो तो ब्रिडिक आर्क भी बता दिया, नेक्स्ट वन इज पेप्टाइजेशन। तो हमने दो मेथड पढ़ लिए, ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड मेथड की ओर, पेप्टाइजेशन। वी आर गोइंग फॉर पेप्टाइजेशन। पता है आपकी बॉडी में भी, FYI, ये थोड़ा बायो का पॉइंट हो रहा है, FYI, यू नो व्हाट इज FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं। अपनी बॉडी में जो आप खाना खाते हो ना बेटा, आप खाने के बड़े बड़े पार्टिकल्स तोड़ के प्रोसेस करके छोटे पार्टिकल्स बनाते हो ना, उस प्रोसेस को भी पेप्टाइजेशन बोलते हैं। जब आप बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। यहां पर भी वही हो रहा है, सुनना मेरी बात। आपके पास था एक PPT, आप बेसिकली यहां पे करने क्या वाले हो, आपके पास है बेटा बहुत सारे ऐसे करके, आपके पास PPT थे। PPT में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है एग्रीगेटेड है। इस PPT पे आप एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है बेटा, कैटायन भी है और एनायन भी है। अब हर एक पीपीटी की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, वो एक प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन करता है, अपने सरफेस पे एक आयन को आकर बैठने देता है। एक पीपीटी की एक प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगी, या तो वो कैटायन या फिर एनायन को अपने सरफेस पे आकर एडजॉर्ब करा लेगा। अगर सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे बेटा, जरा सुनना मेरी बात को, तो ये आपका पीपीटी था, ये आपका ये आपका पीपीटी था बेटा, जरा सुनना। अब ये करेगा प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। आपने क्या डाला था, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसमें A+ और B- था, ये सिर्फ अपने सरफेस पे A+ को आकर चिपकवा लेगा। तो अब बेटा इन पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएगा, रिपल्शन। जो पार्टिकल्स बैठे हुए थे इकट्ठे, अब रिपेल करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर घूमने लगेंगे। अब बेसिकली पीपीटी को किस रेंज में लेकर आ रहे हो, यू आर मेकिंग इट कम इन विच रेंज, कोलाइडल रेंज। व्हाट इज दैट कोलाइडल रेंज, 1-2000 नैनोमीटर। आपने इसकी रेंज चेंज कर दी, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, पेप्टाइजेशन यही तो हो गया, व्हेन बिगर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इज दिस पॉइंट क्लियर, समझ आ गया। अच्छा, क्या आप देखकर बता पाओगे किसी भी पीपीटी पे कि यार इस पे पॉजिटिव चार्ज बैठेगा या नेगेटिव चार्ज बैठेगा, नहीं, ये हम नहीं बता सकते, ये याद ही करना पड़ेगा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को देखकर आप ये नहीं बोल दोगे, सॉरी,
किसी भी पीपीटी को देखकर आप ये नहीं बोल दोगे यार ये तो नेगेटिव सॉल्व बनाएगा ये पॉजिटिव सॉल्व बनाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। वो याद ही करना पड़ेगा, वो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पाई ये बात? समझ आई ये बात? बढ़िया, ठीक है। तो आपने पीपीटी एक बड़े पार्टिकल को, बहुत सारे एग्रीगेटेड पार्टिकल्स थे, तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, पेप्टाइजेशन बोल दिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होता है, या तो उसका कैटायन पार्ट या फिर उसका एनायन पार्ट एड्सॉर्ब होगा पीपीटी के सरफेस पे। ठीक है, चलो समझ आ गया, फंडा क्लियर हो गया। तो इसके कुछ बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे आपको मैं दिखाता हूं। अगर आप CDS की बात करो बेटा, यहां पर कैडमियम सल्फाइड था। कैडमियम सल्फाइड में जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, ये पीपीटी था, ये पीपीटी है बेटा, जैसे ही आप इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रोलाइट सल्फाइड आयन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करके इसके सरफेस पे आके बैठ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। पहले ये पीपीटी था, अब कौन सी रेंज में पहुंच जाएगा? इट विल गो टू कोलोइडल रेंज एंड यू विल गेट योर पीपीटी जस्ट लाइक, सॉरी यू विल गेट योर कोलोइड जस्ट लाइक दैट। बेटा सिल्वर आयोडाइड में दो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों को कर सकता है। तो ये आप देखेंगे, ये पीपीटी से, ये पीपीटी से किस में कन्वर्ट हो गया? कोलोइड में कन्वर्ट हो गया, जब इसके ऊपर I- माइनस का इलेक्ट्रोलाइट आके बैठ जाता है। ठीक है, Ag+ आके बैठ जाता है, ये दोनों याद कर लोगे। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पीपीटी है बेटा, अभी किसी काम का नहीं है। जब मैं इसके अंदर फेरिक आयन डाल देता हूं Fe+3, ये इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं और आपको क्या हो जाता है? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, आपका कोलोइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है? आपको कोलोइड मिल जाता है, अपना पीपीटी से कोलोइड मिल जाता है। सबको समझ आ गया? हर एक बच्चे को बात क्लियर हो गई? बढ़िया, प्रोसेस समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, ऐसा करने से क्या मैं आप इतना समझ पा रहे हो कि कोलोइड्स पे चार्ज रहता है? कोलोइड्स पे चार्ज रहता है, यहां पर भी चार्ज आ गया। कोलोइड्स बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक जैसा चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं और कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हाँ या ना? तो कोलोइड चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये दिमाग में रखना, अभी इसको दिखाऊंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा। तो ये सारे मेथड, तीन मेथड देख लिए, कौन कौन से? एक तो भैया डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन, दूसरा ब्रेडिक्स मेथड विच वॉज ऑल्सो गुड, थर्ड वन वॉज कि यार वाई नॉट वी डू दिस, पेप्टाइजेशन कर दे, पीपीटी को कन्वर्ट कर दे कोलोइड्स में। और एक लास्ट मेथड है विच इज वेरी इफेक्टिव, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप लोग क्या काम करने वाले हो? आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही कोलोइड बना दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड था, इसमें H2S डाला, H2S क्या कर देगा? डबल डिकम्पोजिशन करके आपको कोलोइडल रेंज में आपका सोल्यूशन दे देगा, ये सॉल्व बन गया। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही आप देखो, जैसे ये वाला हमने ये बात करी थी, आपको रिएक्शन के थ्रू ही सोल बना दिया आपने, आपने रिएक्शन के थ्रू सोल बना दिया। ये रहा आपका गोल्ड सोल, ये रहा आपका सल्फर सोल, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, आपने रिएक्शन करके, आपने सल्फर डाइऑक्साइड को H2S के साथ रिएक्ट कराया, सल्फर सोल मिल गया। तो सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोलोइडल रेंज में, प्रेजेंट है पानी के अंदर, गोल्ड के साथ भी यही हो रहा है। ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा थी, उनको निकाल लेंगे, हमारे को गोल्ड सोल बन गया। ऐसे समझ आया? तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप करा रहे हो, तो नाम है इसका केमिकल मेथड। इजीएस्ट है, याद कर लेना सीधे, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये सीधे याद कर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यानी कि हमारे सोल्स पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी न्यूट्रल नहीं हो सकते। अगर न्यूट्रल होंगे तो पार्टिकल्स इकट्ठे करके बैठ जाएंगे नीचे, अगर वो नीचे बैठ गए तो कोलोइड है क्या वो? अगर पार्टिकल्स नीचे बैठ गए क्या वो कोलोइड है? चैट बॉक्स में बता दो, क्या वो कोलोइड है? नहीं, बस समझ गए। तो ये आपके टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मैंने यहां पर कैटेगरी लिखी है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव कोलोइड्स जो होते हैं वो जनरली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं, नेगेटिव कोलोइड्स हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स के होते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, चेक दिस आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना, ये काम आ जाता है। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स के एग्जांपल दीजिए जरा, तो यहां पर आ जाएगा कौन कौन से, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स सारे आ गए। आपको हाइड्रोक्साइड का भी एग्जांपल अभी अभी पढ़ाया, FeOH होल थ्राइस, ये आपका पीपीटी, जब इसके ऊपर क्या आके बैठ जाए, Fe+3 आके बैठ जाए, तो बेटा कोलाइडल रेंज में आता है, हाइड्रोक्साइड ही है, सही बात, ये भी हो गया। डाइज आपकी मिथिलीन ब्लू सॉल्स, ये डाइज भी होती है। हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो योर पॉजिटिव सॉल्ट। नेगेटिव के एग्जांपल होगा एक क्ले, अच्छा ब्लड इटसेल्फ अगर हीमोग्लोबिन बोले तो आप बोलोगे पॉजिटिव, अदरवाइज ब्लड को बोलोगे नेगेटिव, ठीक है ये याद रख लेना। उसके बाद नेगेटिव में बेटा आपके आपकी क्ले मिट्टी, वो भी बेटा नेगेटिव सोल होती है। आपने कभी डेल्टा बनते हुए देखा है, आइलैंड्स, कभी चांस मिला है, हैड यू बीन टू एनी आइलैंड, आपने आइलैंड देखे, या फिर नदी किनारे, जो नदी समुंदर में गिर रही होती है उसके आसपास काफी जमीन बन जाती है, हैव यू एवर नोटिस्ड, किसी ने देखा है क्या, आपने देखा है नदियों के, जहां नदियां आपका कॉन्फ्लुएंस हो रहा होता है, नदी जहां गिर रही होती है समुंदर के अंदर, वहां पर आसपास जमीन बन जाती है, लैंड सी आ जाती है, आइलैंड्स बोल सकते हैं, डेल्टा बोलते हैं उसे, एक्चुअली डेल्टा बोलते हैं, आइलैंड भी इसी प्रोसेस पे बनते हैं बेटा, उसकी कहानी समझेंगे आज की क्लास में, ठीक है आज की क्लास में कहानी समझेंगे। हैव यू सीन योर पेरेंट्स डूइंग शेव, मतलब योर नॉट पेरेंट्स, योर फादर ऑफ कोर्स, हैव यू सीन हिम शेविंग हिमसेल्फ, एंड यू नो तब जब वो शेव कर रहे होते हैं तो दे पुट आफ्टर दिस शेव, दे पुट और दे यूज आफ्टर शेव लोशंस, उसका लॉजिक क्या है, कट लग जाता है तो आफ्टर शेव लोशन लगा लेते हैं, हैव यू सीन, बहुत सिंपल सी चीजें, आप लगते हो यार ये तो सर क्यों ही बता रहे हो, तो बहुत बेसिक है, उसका लॉजिक सरफेस केमिस्ट्री से ही है, मैं वो भी आज क्लियर कर दूंगा। सोल, कोलाइडल सोल्स जो होते हैं ना, बेसिकली उसका लॉजिक आ रहा है आपके कोलाइडल सोल से, हम ये बात समझेंगे आज की क्लास में, ठीक है। यस यस यस, अगर कभी कट लग जाए शेव करते हुए, कट लग जाए तो कट को हम कैसे भरते हैं, एक चीज लगाते हैं, वो आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं, नहीं तो अगर आप चांस देखा होगा आपके बार्बर्स के पास रहता है, जो अगर आप जाओ किसी सलोन में जाओ तो दे पुट आफ्टर शेव लोशन, दे हैव अ ब्रिक, आलम होता है उनके पास, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव सोल्स के। सल्फाइड्स और हैलाइड्स अच्छे एग्जांपल रहते हैं, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, कॉपर सॉल, मेटल सॉल्स भी बेटा आपके नेगेटिव कोलॉइड रहते हैं, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड रहते हैं, इन्हें याद कर लेना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। चलो बढ़िया, समझ आ रही है बातें, यस लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, सिंपल सा चैप्टर है, वेरी स्कोरिंग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेनी क्वेश्चन आर देयर इन योर जेई जो डायरेक्ट आते हैं, एंड इफ यू डोंट रीड दिस चैप्टर एंड गो एज इट इज, इट मीन्स यू आर डूइंग स्टूपिडिटी। वो सुनिए ना कहावत, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेना, वो करके जाओगे अगर इस चैप्टर को छोड़ के जाओगे तो, ठीक है इस चैप्टर को जरूर पढ़ना बेटा। निशा कुमारी वॉच द प्रीवियस सेशन, सॉल क्या होते हैं वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये वो वाले भूत वाले सोल नहीं है, ये कोलॉइडल सॉल्स है, ठीक है। अंशु बेटा आप दोनों अंशु कुमारी हो गई, अभी पहले निशा कुमारी थी, अभी अंशु कुमारी हो गई, अच्छा तो जरूर चेक कर लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ जस्ट गिव मी वन सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। ऑलराइट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, अब सारा सुनना, आपके कोलॉइड्स में बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है जो ट्रू सॉल्यूशन में होती है, ट्रू सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देते हैं, आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, सो दे कैन ऑल्सो गिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि कोलॉइडल सॉल्ट्स भी आपके ट्रू सॉल्यूशन जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि हाँ ये दे सकते हैं, ठीक है जी। देन बच्चा लोग, आपको पता है ब्राउनियन मोशन क्या होता है, बचपन में पढ़ा है, कितने बच्चे जानते हैं ब्राउनियन मोशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउनियन मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड्स में पार्टिकल्स कभी बैठने नहीं चाहिए, पार्टिकल्स शुड मूव हेयर एंड देयर, अगर ब्राउनियन मोशन ना हो तो शायद बैठ जाए आपका कोलॉइड नहीं रहेगा, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। अब ये होता क्या है, ये मोशन आ क्यों रहा, नाम से क्लियर है ब्रॉनियन मोशन, ये हो क्या रहा है सर, काफी बच्चे बोलेंगे इन द चैट बॉक्स zigzag, यस, काफी बच्चों को पता है zigzag मोमेंट, जब आपके यू नो
पार्टिकल्स zigzag मूवमेंट करते हैं उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोल देते हैं। इसको ज़रा सिंपल करते हैं, इसको ज़रा सिंपल करते हैं। आपको पता है आपका कोलॉइड पार्टिकल का जो साइज़ है वो एक्चुअली सॉल्वेंट से बड़ा रहता है, सॉल्वेंट से बड़ा रहता है। सॉल्वेंट यहाँ पर बेसिकली आपका डिस्पर्जन मीडियम, राइट, पानी मान लीजिए। तो पानी का साइज़ आपके कोलॉइड से, पानी के पार्टिकल का साइज कोलॉइड से कम है, छोटा है। तो ये क्या करता है, आपके पानी जो है आपके कोलॉइड को इधर उधर से टक्कर मारता है, हर जगह से टक्कर मारता है। और ये टक्कर जो कोलिजन होने वाली है, बम्बार्डमेंट होने वाली है, अनइवन है, राइट, बैलेंस नहीं है, तो इधर उधर मूव करेगा। अब ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और कभी सेटल नहीं हो पाता, तभी आपका जो कोलॉइड है वो स्टेबल भी है। हमने बात करी थी कोलॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि ये कभी भी बैठने नहीं चाहिए, कभी सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। तो जब सॉल्वेंट या आपका डिस्पर्जन मीडियम आपके डिस्पर्जन फेस को हिट करता रहता है कॉन्स्टेंटली, हेयर एंड देयर कोलिजन होती रहती है, तो वो मूव करता रहता है। इसी को zigzag मूवमेंट बोल देते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड, टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड। बात समझ आ गई? वेरी नाइस, माई वॉइस इज वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच अभिषेक, दैट्स अ वेरी गुड कॉमेंट, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, वेरी नाइस, समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये भी समझ आ गया। ओ वाओ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, नेक्स्ट चीज पे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि यार ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगी, दूसरी देख चुके हैं ब्राउनियन मोशन, और अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या ये देखा है, हैव यू गाइज विजिटेड ऊटी, ऊटी में कभी गए हो, ऊटी तमिलनाडु, वहां पर बहुत सारे पेड़ों के बीच में जब लाइट आती है, ये कुछ वैसे ही मैंने कोशिश करी आपको दिखे, फॉरेस्ट में ये आपको लाइट का पाथ दिख रहा है क्या, क्या बोलते हैं इसको, यस, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दिस कॉल्ड, वेरी नाइस, दिस इज टिंडल इफेक्ट। अच्छा यार, अपने रूम में, आपके रूम में इस टाइम लाइट जल रही है, मेरे भी रूम में लाइट जल रही है, क्या मैं लाइट के पाथ को देख पा रहा हूं, नहीं ना, नहीं ना, लाइट का पाथ तो दिखता नहीं है। पर यहां पर ऐसा क्या हो गया कि दिखने लग गए, यहां पर लाइट का पाथ दिख रहा है आपको, यहां पर लाइट का पाथ दिखने लग रहा है, दिख रही है कि लाइट का पाथ दिख रहा है, बच्चों को रेज दिख रही है, पाथ दिख रहा है, हाँ, यहां पर कुछ कमाल है आपका कोलॉइड्स का। देखो यहां पर लाइट स्केटर कर रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, आपकी एयर के अंदर कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स रहते हैं जैसे डस्ट या स्मोक, तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट जब उस पर हिट कर रही है तो उसको स्कैटर कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, लाइट का पाथ दिखने लग जाता है। क्या आप कोलॉइडल पार्टिकल्स को देख सकते हो, नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन ओनली अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, पर यस, ये क्या काम कर रही है, लाइट को स्केटर कर रही है, उसके कारण से आपको लाइट का पाथ दिखने लग रहा है। दिस फिनोमिनन इज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट, दिस फिनोमिनन इज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, जस्ट एक आइडिया दिया कि यार ये टिंडल इफेक्ट है, आपको लाइट का पाथ दिख रहा है। अरे अपने रूम में कभी देखा होगा, विंडो पेन से जब आपकी रोशनी आती है, आपके रूम में अंधेरा है और आपकी सनलाइट, बाहर सनलाइट है और खूब बढ़िया सी रोशनी आती है, तो आपके रूम में जो लाइट का पाथ होता है आपको दिखने लग जाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्योंकि डस्ट होती है एयर में, इम्प्योरिटीज होती है, वो कोलॉइडल रेंज में रहती है, पार्टिकल स्केटर करते हैं, ठीक है, समझ आ गया, स्कैटरिंग आपको दिखती है। मैंने बड़ा सिंपल सा, ये आपको नेट पे मिल जाएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से मुझे नेट पे मिल गया, जस्ट टाइप दिस एंड आई गॉट दिस एंड आई हैव गॉट दिस पिक्चर फॉर यू गाइस, वेरी सिंपल। ये जो सोल्यूशन है बेटा, ये जो सोल्यूशन है, दिस इज योर ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, ट्रू सोल्यूशन के अंदर, ट्रू सोल्यूशन के अंदर बच्चा लोग, व्हेन यू विल शाइन लाइट, जब आप लाइट की बीम फेंकोगे तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, पर वहीं पर आप अगर कोलॉइड ले लोगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो बेटा आपको दिख रहा है बीम दिख रही है, लाइट की बीम, यहां पर हुआ क्या है, लाइट का पाथ दिख रहा है ना, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो उसको स्केटर कर पा रहे हैं, स्केटरिंग हो रही है, समझ आ गया, तो आपको वो दिखने लग जाता है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहां पर भी देखो, ये रहा आपका ट्रू सॉल्यूशन, यहां पर आपने कुछ मिला दिया इसके अंदर, जिसके कारण से ये सॉल्यूशन कोलॉइडल रेंज में आ गया या सॉल बन गया, समझ गए, दिख रहा है, जैसी लाइट पास करी उसका पाथ दिख रहा है आपको, यस और नो, विजुअलाइजेशन सही है, हाँ या ना, विजुअलाइजेशन सही है, चेक कर लो, बढ़िया, चलो अच्छी बात है, गॉट इट, आइडिया लग गया, चलो बहुत बढ़िया। तो दिस इज योर टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट है। अब इसको जरा समझ लेते हैं क्या है ये, देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका
ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन में मैंने यहाँ से लाइट लेकर आया और मैं लाइट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाहर निकलते हुए। आई विल नॉट सी एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। इफ अ होमोजीनियस सोल्यूशन इज प्लेस इन अ डार्क एंड इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट अपीयर्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और अगर आप उसको, मैं क्योंकि यहाँ से ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लाइट भी यहाँ से आ रही है, मैं इसको ऑब्जर्व भी यहाँ से कर रहा हूँ, पर अगर मैं इसको आपके जहाँ से आप इसको देख रहे हो, मैं इसको वहाँ से ऑब्जर्व करने लग जाऊँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखने वाला, इट विल बी कम्प्लीटली डार्क। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लाइट ऑफ पाथ, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क। अगर यहाँ से लाइट पास कर रहे हो, यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, राइट, एवरीथिंग इज यू नो क्लियर। पर यहीं से उस ट्रू सोल्यूशन, अभी बात चल रही है ट्रू सोल्यूशन की, ट्रू सोल्यूशन को अगर मैं इस तरफ से परपेंडिकुलर देख रहा हूँ, जहाँ से आप लाइट पास कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर से देख रहा हूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो मुझे डार्क दिखेगा। क्यों भैया? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन कुछ स्कैटर ही नहीं कर सकते, दे कैन नॉट स्कैटर लाइट। पर यहीं पर अगर मैं उठा लूँ एक कोलॉइडल सोल्यूशन, अब मैंने मान लीजिए इसमें कोलॉइड भर दिया, अब मैंने यहाँ पर डाला बेटा आपका, लाइट पास की, तो चाहे आप इधर से देखो चाहे आप उधर से देखो, अच्छा 90 डिग्री पे देखोगे तो बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छी स्कैटरिंग होती है वहाँ पे, उस एंगल पे आप ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो। पर यस, पॉइंट इज ट्रू सोल्यूशन विल स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, आप हर जगह से देख सकते हो, 90 डिग्री तो थोड़ा बढ़िया दिख जाता है, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ गए? तो वो स्कैटर करेगी, और इसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, इसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ हर चीज़ लिख दी है। क्या आप पार्टिकल को देख पाओगे? नहीं, पार्टिकल को हम नहीं देख पाएंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी उठाना पड़ेगा, उसी से देख पाएंगे, वैसे हम नहीं देख पाते, ठीक है? कूल। तो ये आपको बातें समझ आ गई है। सिनेमा हॉल का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर आप मूवी हॉल गए हैं, इट्स लाइक ये तो बहुत एंशियंट स्टोरी हो गई है वंस अपॉन अ टाइम की, क्योंकि लॉकडाउन लग चुके हैं, घर पे सब नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं। पर यस, अगर आप सिनेमा हॉल में, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर रूम से जब लाइट फेंकते हैं, जब प्रोजेक्शन होती है, वो आपको पूरा लाइट का पाथ दिखता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व कि जब भी सिनेमा हॉल जाते हैं, प्रोजेक्टर रूम से जो लाइट आती है, जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं फिल्म को आपकी स्क्रीन पे, तो बेटा वहां पर आप लाइट का पूरा प्रॉपर पाथ देख पाते हो। यस, हाँ, यस, बढ़िया। वैसे नहीं देख पाता, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, जो एयर थी उसके अंदर डस्ट और स्मोक था, वो पार्टिकल स्कैटर कर देती है, कोलॉइडल पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, और आपको वो पाथ दिखने लग जाता है। सिंपल, बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया है बस मैंने, ये दोनों पॉइंट, ये आपका PYQ में भी काइंड ऑफ है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है कि टिंडल इफेक्ट कहां कहां देखने को मिलता है, कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है। तो नेसेसरी कंडीशन टू गिव टिंडल इफेक्ट आर दीज टू, आप इनको याद कर लेना सीधे कि यार जो आपका पार्टिकल होता है और जो लाइट उस पर आप फेंक रहे हो, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, मतलब वेवलेंथ जिस लाइट की आ रही है, जो लाइट हिट कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है पार्टिकल के साथ, और जो पार्टिकल का साइज है, ज्यादा मतलब उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इनका पार्टिकल का साइज और वेवलेंथ भी ना, पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दोनों बराबर होने चाहिए, राइट? वेवलेंथ भी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, पार्टिकल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, दे मस्ट हैव नियरली द सेम रिलेशनशिप। द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों पॉइंट्स याद कर लेना, ये पूछा जा चुका है, ठीक है? चलो, ऑसम, आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें करनी थी गोल्ड सॉल के बारे में, कि गोल्ड सॉल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है? करेक्ट, ऑसम, बढ़िया। सिंपल बातें चल रही हैं, बस सुनना है, ध्यान लगा के हुए, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात, हर चीज समझ आ रही है। एक बार स्माइल दे दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतने ज्यादा बच्चे पढ़ाई करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा, है ना? बहुत सही। चलो, हर चीज समझ आ रही है। कितने बच्चे हैं यहां पर, सब कुछ सुन रहे हैं, समझ आ रहा है, दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, लेट मी नो, एक स्माइल दे दो चैट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा आपको हर एक चीज कनेक्ट हो रही है। बहुत सिंपल सा लेक्चर है आज, ज्यादा कुछ इसमें मतलब इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, है ना? बस सुनना है आपको अच्छे से, बढ़िया, ऑसम, सही है, अच्छी बात। अब सुनना, नेक्स्ट चीज,
गोल्ड आपका मैंने बताया था, गोल्ड सॉल क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? चैट बॉक्स में लिखना, गोल्ड सॉल पॉजिटिव होता है, रिकॉल कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ रिकॉल, गोल्ड सॉल पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा? जल्दी जल्दी सोचो सोचो, अभी आपको पढ़ाया था मेटल सॉल्स कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, थैंक यू, वेरी गुड, मेटल सॉल्स नेगेटिव रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो गोल्ड सॉल नेगेटिव है, पर मैंने यहाँ पे आपके सामने तीन सैंपल रख रखे हैं, एक आपका फेवरेट येलो, आई थिंक सबको दिख रहा है ये, कुछ ऑरेंजिश है, थोड़ा सा रेड है, राइट, ये सारे गोल्ड हैं, ये सारे गोल्ड हैं, तीनों के तीनों गोल्ड हैं, ये गोल्ड के सोल्यूशन है, गोल्ड सॉल है। यहाँ पर आपने पार्टिकल के साइज को चेंज किया, तो ये पाया गया है कि जब पार्टिकल का साइज चेंज हो जाता है, द वे इट इंटरैक्ट विद द लाइट एंड यू नो इट स्कैटर्स इट चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ये येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पर पार्टिकल का साइज बड़ा है, गोल्ड के पार्टिकल का साइज बड़ा है, पर यहीं पर इन दोनों के अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि कलर डिफरेंट है, यहाँ पर पार्टिकल का साइज नैनो रेंज में है, नैनो रेंज में है। तो गोल्ड सॉल का डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, इंटरैक्शन विद द लाइट एंड द स्कैटरिंग इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि इनका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर अगर गोल्ड आप 25 नैनोमीटर का रखोगे तो रेड कलर का आएगा, जो सोल्यूशन रेड कलर का दिखने लग जाता है, रेड कलर का दिखने लग जाता है। यहीं पर आप जब उस गोल्ड सॉल का साइज 50 नैनोमीटर रख देते हो तो ग्रीन कलर का बन जाता है, और वहीं पर पार्टिकल का साइज थोड़ा और बढ़ाया 100 नैनोमीटर पर ले गए तो आपको ऑरेंज कलर दिख जाता है। तो ये पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके कोलॉइडल पार्टिकल का साइज भी मैटर करता है, गोल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, करेक्ट? यस, आ गई बात, हाँ, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ही पार्टिकल का साइज चेंज होगा तो इंटरैक्शन उनकी लाइट के साथ चेंज हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो स्कैटरिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, समझ गए, बात समझ आ गई? यस 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 यस, बहुत बढ़िया, तो ये बात क्लियर हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल हैं, वही यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल का साइज दिखाया है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है, दैट्स इट, बढ़िया। जनरली रेड कलर का हम याद कर लेते हैं कि गोल्ड का रेड कलर होता है, लॉजिक ये होता है कि उसका साइज बहुत छोटा होता है, मैंने आपको साइज में भी दिखा दिया कि इस पार्टिकल का ये कलर होगा, इस पार्टिकल साइज पे ये कलर होगा, इस पार्टिकल साइज पे ये कलर होगा, वो आपने याद कर लिया, ठीक है, याद कर लेना उनको, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट इस पे आ रहे हैं, ओनली फॉर गोल्ड हमने देखा है, गोल्ड का पूछ लिया जाता है तो गोल्ड का हमने समझ लिया, समझ आया? इस चीज किसी ने पूछा ओनली फॉर गोल्ड, क्या कभी चर्च गए हो यार, हैव यू विजिट लाइक वेरी ओल्ड चर्चेस, वहां पर क्या होता है जो विंडो पेन होता है ना, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको ग्लासेस दिखाई देते हैं, क्या देखिए, बड़े बड़े पैटर्न्स, बड़े सुंदर सुंदर पैटर्न्स बने होते हैं, और जब लाइट आती है उस पर तो कलर अलग अलग दिखने लग जाता है। मेरे पास वो पिक्चर नहीं है, मैं दिखाया था, मेरे को एकदम से याद आया क्योंकि किसी ने यहाँ पर लिख दिया, वहाँ पर भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंटरैक्शन ऑफ द लाइट विद दैट पर्टिकुलर सरफेस, वी आर चेंजिंग इट, क्योंकि साइज पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट करते रहते हैं। नो मंदिर जाते हैं बस, अरे भाई ठीक है ठीक है, आ जाओ, देखने में कोई हर्जा ही नहीं है, ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना बढ़िया सीखेगा, है ना, आ जा, चलो आ जाओ, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोलॉइड्स चार्ज्ड होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, चैट बॉक्स में लिख दो, कोलॉइड्स चार्ज्ड होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, पहले इतना बता दो, जल्दी से बता दो, चार्ज्ड होते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप प्रूफ भी कर सकते हो कि चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये चीज भी बताता है। अब ये है क्या सर, वो तो ठीक है क्या, आप क्या करते हो, एक यूट्यूब ग्लास में, ग्लास की ट्यूब होती है, उस पर अपना कोलॉइड डाल दिया, कोलॉइड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ठीक है हमें नहीं पता, हमने डाल दिया, और हमने दो बेसिकली दो एंड्स पे आपने अपने प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, एक एनोड बना दिया, एक कैथोड बना दिया। अब मान लीजिए आपके सोल्यूशन के अंदर, मान लीजिए आपके सोल्यूशन के अंदर आपने नेगेटिव सोल लिया, क्या लिया बेटा आपने, नेगेटिव सोल लिया, तो जब आप इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे बेटा, नेगेटिव सोल पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, कैथोड, तो मूवमेंट होगी ना आपके किसकी, आपके सोल की टूवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड,
द मूवमेंट ऑफ योर कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है. मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. आगे बात समझ. इसका फायदा यह है कि आपको बता देता है कि यार चार्ज क्या है. आप ये भी पता लगा लोगे, अच्छा जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरैक्ट करेंगे कोएगुलेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएगा, आपका सॉल अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देगा. पर इससे आप ये फायदा लगा सकते हो, निकाल सकते हो. इसका फायदा ये है कि यार मेरा सॉल पॉजिटिव था या नेगेटिव, आप इसके थ्रू निकाल सकते हो. समझ गए क्या बात? क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल था, एक सिंपल सी टेक्निक थी. ये मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. देख लो डायग्राम, यहां पर मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर जाएगा, दैट्स इट. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, तो कोई बाय हार्ट मत कर लेना कि सर हमेशा क्या नेगेटिव होता है. नहीं नहीं, एग्जाम्पल ले लिया बस. ठीक है, चलो कूल. हाँ, तो ये बातें यहां पर लिख भी दी गई हैं, ये बातें लिख भी दी हैं, तो आप जब पढ़ोगे आप याद भी कर सकते हो. आपको थ्योरी पूरी मिल रही है, टेंशन मत लो. ठीक है, थ्योरी पूरी मिल रही है. हाँ, दिस वन भाई, अब आ गए हैं हम बड़े ही प्यारे पार्ट पे. वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कोएगुलेशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू नो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन, जो भी चीज यहां से पढ़ाऊंगा सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, अच्छा. कोएगुलेशन फ्लॉक्युलेशन, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन में क्या कर रहे थे, चार्ट बॉक्स में लिखना. पेप्टाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे थे. यहाँ आप उल्टा करोगे. आप अपने कोलाइडल रेंज वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये आपके कोलॉइड्स बने हुए थे, आपके कोलॉइडल रेंज वाले पार्टिकल्स को आप कन्वर्ट करके पीपीटी में कन्वर्ट कर दोगे. आप कन्वर्ट करके क्या बना दोगे, पीपीटी बना दोगे. बनाओगे कैसे, वही सेम टेक्निक. कोलॉइड्स पे आपका चार्ज्ड है, ये हमेशा चार्ज्ड रहते हैं. इन पे बेटा आप इनमें एडिशन करोगे इलेक्ट्रोलाइट की. ये आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन करोगे. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट में बेटा क्या होने वाला, ये न्यूट्रल अभी बताता हूँ क्यों आएगा. इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे मान लीजिए आपने इस एग्जांपल में यहां पर आपने पॉजिटिव सोल ले लिया, तो पॉजिटिव सोल के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट आकर बैठेगा. तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन. जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या मिल जाएगा, पीपीटी. बात समझ आ गई, क्लियर हो गया. तो यहां पर आपको छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल में चेंज करना है, कोएगुलेट करना है. तो नाम आ गया कोएगुलेशन या फ्लॉक्युलेशन. क्लियर, चलो क्लियर हुआ, बात समझ आ गई. सिंपल सा इस बात को मैंने यहां टैबुलेट भी कर दिया, व्हाट इज कोएगुलेशन डेफिनेशन भी डाल दी है. आगे बात समझ, कोएगुलेशन समझ आ गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए. अब इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जरा वो समझेंगे. इस पे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो समझेंगे. दो साइंटिस्ट थे, हार्डी शुल्ज, इन्होंने अपना रूल दिया. एक बात बताओ यार, इसकी तुम्हारे को बिना इसको समझे आप आंसर निकाल दोगे. मेरी बात बताओ, एक छोटी सी बात. मान लीजिए आपके पास नेगेटिव सोल था. नेगेटिव सोल मतलब आपका कोलॉइड जो था उस पर नेगेटिव चार्ज था. अब आप चाहते हो ये नेगेटिव सोल जो है या कोलॉइड जो है ये प्रेसिपिटेट बना ले. क्या बना ले, प्रेसिपिटेट बना ले. तो आप इस पे क्या इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, आप इस पे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे जिसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस पे आकर बैठेगा और न्यूट्रलाइज करेगा. अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी, उतनी ज्यादा कोएगुलेशन होगी. तो आउट ऑफ दीज थ्री आप देखिए सारे ही कैटायन हैं, सारे ही इस पे बैठेंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे. पर कौन सा सबसे ज्यादा होगा, करेगा कौन सा सबसे ज्यादा करेगा. आपने रूल अभी तक पढ़ा नहीं है, आपने बिना रूल के भी आंसर दे दोगे आप. कौन सा सबसे ज्यादा करेगा, एल्यूमिनियम, डू यू एग्री, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा क्या, कोएगुलेशन, उतनी ज्यादा कोएगुलेशन. यस, तो एल्यूमिनियम उतना ज्यादा पीपीटी बनाने में इफेक्टिव होगा क्योंकि इस पर चार्ज ज्यादा है. एक आयन 3+ चार्ज लेकर कूदेगा और उसको न्यूट्रलाइज जल्दी कर देगा, तो उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा हो जाएगी. क्या ज्यादा हो जाएगी, कोएगुलेशन पावर ज्यादा एफिशिएंटली ये काम कर देगा. अच्छा, अगर ये ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है तो इसकी मात्रा आपको ज्यादा डालना पड़ेगा अपने कोलॉइड के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ज्यादा डालना पड़ेगा या कम डालना पड़ेगा.
ज्यादा डालना पड़ेगा या कम डालना पड़ेगा? कम डालना पड़ेगा, कम डालना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक बात सुन लेना, एक बात सुन लेना, कोएगुलेशन पावर अगर आपकी ज्यादा हुई तो कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, मतलब आपको कम मात्रा डालने में ही आपका काम हो जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज उतना बढ़िया। यही चीज आपको बताई थी हार्डी शुल्ज ने, उन्होंने बोला जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी ऑफ द ऑपोजिट चार्ज्ड आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज बीइंग एडेड फास्टर इज द कोएगुलेशन, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा जल्दी कोएगुलेशन हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉक्युलेटिंग आयन ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर। सिंपल सी बात, मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया, क्लियर हो गया, समझ आ गया। एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये एग्जाम्पल, अब आपके पास नेगेटिव सोल था, क्या था आपके पास नेगेटिव सोल, आपका कूलॉइड जो था उस पर क्या चार्ज है बेटा नेगेटिव, तो अगर मैं उस पर पॉजिटिव चार्ज डालूं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, राइट। तो अगर पॉजिटिव था तो मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट इस पर बिठाऊंगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव, जैसे ये थोड़ी सी गलती है यहां पर बेटा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, लेट मी राइट इट, Cl- एक है आपके पास सल्फेट आयन, एक आपके पास है फॉस्फेट आयन, आपके पास है फॉस्फेट आयन। मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे बढ़िया कोएगुलेशन कौन सी कर देगा, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पहला दूसरा तीसरा इन द चैट बॉक्स, पहला दूसरा तीसरा, जल्दी से भर दो चैट बॉक्स यार, जल्दी से। एक ही बच्चा दे रहा, श्रीनिवास ने आंसर दिया, बाकी सब चुपचाप बैठे हैं। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोएगुलेशन पावर, तो इसकी कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। व्हाट अबाउट वैल्यू, इसकी कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा है तो कोएगुलेशन वैल्यू सबसे कम होने वाली है, किसकी, फॉस्फेट आयन की, मतलब इसकी कम मात्रा डालते ही आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी डालनी पड़ेगी आपको, सीएल माइनस की, क्योंकि चार्ज कम है, ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो यही है, अब ये कोएगुलेशन वैल्यू क्या है वो समझ लो, कि कितना इलेक्ट्रोलाइट आपको डालना पड़ा जिससे आपको प्रेसिपिटेशन मिली। तो अगर पावर बहुत ज्यादा है तो आप कम मात्रा डालोगे, काम हो जाएगा, ये वही चीज है। सो कोएगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको ये समझा दिया है जिससे कभी भी किसी को डाउट ही ना आए, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन सीधे आपको पूछा जाता है, ठीक है। हाय अर्पिता, नो अपराजिता, सॉरी मैंने नाम गलत पढ़ लिया, अपराजिता, हाय बेटा, बढ़िया, आया समझ। आंसर करना चैट बॉक्स में, आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट थे, आप कोएगुलेट कराना चाहते हो अपने सॉल को, आपके पास सॉल था, हमें मतलब नहीं है क्या चार्ज है, हमने बोला एक बार ए डाला, हमने एक बार बी डाला, वैल्यूज आपके सामने रख दी, मतलब इसको आपने 10 मिलीमोल्स आपने डाले होंगे इसके, राइट, मिलीमोल्स नहीं सॉरी, हाँ मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स डाले होंगे ए के, यहाँ पे 20 मिलीमोल्स डाले, तो पावर किसकी ज्यादा है, एक लीटर सॉल्यूशन में आपने वो 10 मिलीमोल्स में काम कर दे रहा है, कोएगुलेट कर दे रहा है, 20 मिलीमोल्स में काम कर दे रहा है, तो यहां पर आपको क्या आंसर मिलेगा, कोएगुलेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, ए इज दी आंसर, करेक्ट, समझ गए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। इनवर्सली रिलेशन है, कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। हाँ भाई, कितने बच्चों ने बॉल पेन से काम किया है, आई एम प्रीटी श्योर सब होंगे, क्या आपके बॉल पेन कभी चलना बंद कर देते हैं, कभी हुआ है, चैट बॉक्स में बताना, 2 रुपए वाले बॉल पेन आते हैं वो खरीदे हैं कभी, या नॉर्मल पेन भी, कभी चलना बंद कर देते हैं, फिर आप झटका मारते हो उसमें, थोड़ी सी फूंक मारते हो, फिर वो चलने लग जाता है, हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है, इवन आपके इंक पेन में भी हो जाता है, इंक पेन बोल रहा हूँ सॉरी, जेल पेन, यस। अच्छा आपको पता है ये जो इंक होती है ये मेटल सॉल्ट्स होते हैं, मेटल सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं, तो ये इंक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आती है, दिस इज नथिंग बट मेटल सॉल्ट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन है वो। कोलाइड्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो एग्रीगेट करके सेटल डाउन कर सकते हैं, तो जब लिखना बंद कर देता है ना तो वो यही हो रहा है, वहां पे जो आपके पार्टिकल्स है कोएगुलेट कर गए हैं, तो झटका मारते हो तो आप उनकी कोएगुलेशन तोड़ते हो और फिर वो वापस चलने लग जाते हैं, समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है, ठीक है।
तो आप वही समझ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ये ऐसी कोएगुलेशन ना हो। थोड़ा आप महंगा बढ़िया पेन उठाते हो, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, चलो दिखाता हूँ, दो मिनट में दिखाता हूँ। आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि वहाँ पे कोएगुलेशन नहीं होती, कम होती है, अगर होती भी तो बहुत कम होती है। उसका लॉजिक समझ लेंगे। तो बेसिकली लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं दे आर अनस्टेबल, तो वो कोएगुलेट कर जाते हैं। तो उसकी कोएगुलेशन बचा ना हो तो आप क्या करते हो, मान लीजिए आपका ये लायोफोबिक सोल था। व्हाट इज दिस, दिस इज योर लायोफोबिक सोल। आप क्या करते हो जनरली, मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ इंक की, आपका जो रिफिल्स होती है वो काम कैसे करती है। आप क्या करते हो, इसके ऊपर आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लायोफिलिक सॉल्ट डाल देते हो, टू प्रिवेंट, यू नो, टू प्रिवेंट कोएगुलेशन यू ऐड लायोफिलिक सॉल्ट। तो वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है लायोफोबिक के अराउंड, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब क्या होता है, कोएगुलेशन से बचाता है। जरा समझना, जैसे आपकी पेन की रिफिल, ये मेटल सॉल्ट्स होते हैं, लायोफोबिक होते हैं, ये क्या कर जाते हैं नीचे बेटा, ये यहाँ पर ये आपका रोलर होता है, ये आपका रोलर होता है, ये बॉल पेन ये आपके इंक में रहता है, ये रोल करता है और यू नो आप लिख पाते हो, आप इसकी वजह से लिख पाते हो। यहां पर पार्टिकल्स जब एग्रीगेट कर जाते हैं, क्या सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको झटका मारना पड़ता है और ये काम करता है ना। आपने पक्का कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में तो जरूर खरीदा होगा ये सस्ता वाला पेन, और आपके साथ जरूर ये हुआ होगा, राइट? हाँ या ना? यस, जरूर खरीदा होगा, जरूर हुआ होगा। इफ यू से यू हैव नॉट बॉट सच पेन, आई डोंट बिलीव, देन यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। तब मैं मानता नहीं फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो। कि सर पेन और अच्छे स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। चलो समझ गए बात, क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, अब यहीं पर अगर आपने नोटिस किया होगा आपके यहाँ पे पेन के इस एरिया पे, ये क्या है, जब आपने लायोफिलिक सॉल की एडिशन कर दी, लायोफोबिक के अंदर आपने लायोफिलिक डाल दिया, तो आपको प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है, तो वो जो कोएगुलेट कर रहा था वो कोएगुलेट नहीं होगा और आपका पेन बढ़िया अच्छा काम करेगा। तो ये एक वर्किंग है, एक सिंपल सा आइडिया दे दिया आपको पेन की रिफिल को लेकर, ये आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो मैंने कहा चलो व्हाई डोंट आई ऐड दिस पॉइंट हियर। ठीक है, समझ आ गया, समझ आया? तो ये लायोफिलिक, इधर लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल है, ठीक है, इसका आपने मिक्सचर बनाया, प्रोटेक्टिव लेयर है ये, प्रोटेक्टिव लेयर है वो, ठीक है, समझ आ गई ये बात, ये जो दिख रहे हैं ना ये प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा, ठीक है। चलो ऑल राइट, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, गोल नंबर। ये बहुत प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, गोल नंबर, और बहुत आसान टॉपिक है, जरा सुनना। गोल नंबर की बड़े सिंपल से टंटे हैं, बड़े सिंपल से फंडे हैं। मान लीजिए आपने 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन लिया है, गोल्ड सॉल लिया है, ये आपने क्या करा, 10 ml गोल्ड सॉल लिया। गोल्ड सॉल क्या रहता है बेटा, नेगेटिव सॉल होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस गोल्ड सॉल में बेटा अगर आप 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डालोगे, अब NaCl में बेटा यहां पर Na+ रहने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कोएगुलेट कर जाएंगे, तो आपका सॉल कोएगुलेट कर जाएगा। पर आप कहते हो नहीं, मुझे अपना गोल्ड सॉल को कोएगुलेट नहीं कराना, तो आप इसमें प्रोटेक्टिव लेयर डालते हो। आप क्या कहते हो कि एक काम करते हैं, ठीक है मुझे गोल्ड सॉल को प्रोटेक्शन देनी है, मुझे इसको कोएगुलेट होने से बचाना है, तो आप इसमें क्या काम करते हो, आप इसमें लायोफिलिक सॉल्ट डाल देते हो। जितना लायोफिलिक सॉल्ट डालोगे, मान लीजिए आपने x मिलीग्राम डाला है, उसी को आप क्या बोलते हो, गोल्ड नंबर। ये इतना अमाउंट डालने के बाद आपका जो गोल्ड है वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, वो कोएगुलेट नहीं करेगा। कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट दैट आई हैव टू डू सो दैट द प्रोटेक्शन हैपेंस एंड माय गोल्ड सॉल्ट वुड नॉट बी अंडरगोइंग कोएगुलेशन, दैट पर्टिकुलर अमाउंट, दैट पर्टिकुलर मिलीग्राम, द नंबर विच विल बी यूज्ड इज नथिंग बट गोल्ड नंबर। क्लियर हो गया, गोल्ड नंबर क्लियर हो गया? मैंने आपको कोई रट्टा नहीं मरवाया, आपको डेफिनेशन दे दी, आपको समझा दिया, डेफिनेशन यहां लिख दी है, आप इसको याद कर लेना फॉर योर स्कूल पर्पसेस, जब आपको बोर्ड्स में एग्जाम लिखना हो, ठीक है, एग्जाम के लिए आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। लॉजिक समझ आ गया है, क्लियर हो गया है? यहां पर प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, लायोफिलिक।
अच्छा ये डिफाइंड कितने के लिए है बेटा, 10 ml। इसका एग्जांपल देता हूं, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपको दे रखा है गोल्ड नंबर किसी चीज का, आपको दे दिया 5 mg। इसका मतलब क्या है, इसका ये हमेशा मिलीग्राम में होगा, इट इज ऑलवेज इन मिलीग्राम, डेफिनेशन मिलीग्राम में है। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम और आई एम रियली सॉरी 10 ml तो आपको 5 mg इज योर गोल्ड नंबर, इज योर गोल्ड नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार 10 ml गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 5 mg ऑफ लायोफिलिक सॉल आपने ऐड किया है, ऑफ लायो और प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यहां पे लिख देता हूं प्रोटेक्टिव कोलॉइड। समझ आया, ये 10 में डिफाइंड है। अगर मैं बोलूं बेटा यही मुझे बताओ गोल्ड नंबर 100 ml के लिए, 100 ml गोल्ड के लिए गोल्ड नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल ना, यूनिटरी मेथड लगा लो, 10 के लिए 5 है तो बेटा 100 के लिए कितना हो जाएगा, 50। समझ आ गई बात, तो आप बोलोगे 50 mg वुड बी द गोल्ड नंबर, पर डिफाइंड हमेशा 10 के लिए है। क्लियर हो गई, हर एक बच्चे को बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया ट्रिप, बहुत बढ़िया, ये आपको गोल्ड नंबर समझ आ गया। एग्जाम्पल है कुछ आपको देता हूं। अच्छा हाँ एक वही सेम चीज, तो गोल्ड नंबर डेफिनेशन एक फॉर्मूला भी है, मैंने आपको बिना फॉर्म बिना किसी चीज के आपको समझा दिया 10 के लिए डिफाइंड है, नहीं तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि कितना मिलीग्राम आपको यहां पर प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालना पड़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 10। ये 10 का लॉजिक समझ आ गया, क्योंकि ये डिफाइंड 10 के लिए है, 10 ml ऑफ गोल्ड के लिए डिफाइंड है, तभी 10 मल्टीप्लाई किया। आ गई बात समझ, और जनरल कोई भी ml दे दे आपको, बोले 50 के लिए बताओ 100 के लिए बताओ, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, नहीं तो यूनिटरी मेथड से भी कर लोगे। अगर बेटा किसी चीज का गोल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, गोल्ड नंबर बहुत ज्यादा यानी कि आपका प्रोटेक्शन पावर क्या हो जाएगा कम, बिल्कुल वही सेम लॉजिक कि यार मेरा कम मात्रा में ही प्रोटेक्शन हो गया, मैंने कम अमाउंट डाला प्रोटेक्शन हो गया, तो आप बोलोगे यार ये तो बड़ा ही इसकी पावर तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, कम मात्रा डालते ही काम हो गया, कम मात्रा डालते ही काम हो गया, तो प्रोटेक्शन पावर इसकी बहुत बढ़िया होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप, अगर गोल्ड नंबर बहुत ज्यादा है तो प्रोटेक्शन पावर बहुत कम है, वाइस वर्सा, ये याद कर लेना। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी खूब सारे बनाए गए हैं इन दो चीजों के ऊपर, वो देख लेंगे आज की क्लास में, ठीक है, समझ आ गई ये बात, आ गई बात समझ, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, यस, इन द चैट बॉक्स लेट मी नो एवरीवन इज क्लियर, यस, एक स्माइल दे दो यार, हर एक चीज समझ आ रही है, कितना क्रिस्प समझ आ गया हर एक चीज, कितना क्रिस्प समझ आ गया है हर एक चीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लविंग इट लविंग इट, मजा आ रहा है, सीख रहे हो, पता लग रहा है कि हाँ सर सीख रहे हैं चीजें। आ जाओ नेक्स्ट, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या है, अब यहां पर एग्जांपल दे दिया कि आपने लायोफिलिक कोलॉइड डाला है और ये उसके लिए गोल्ड नंबर आ गया, मतलब यहां मैं आंसर नहीं देना चाहता, बताओ प्रोटेक्शन पावर किसकी ज्यादा है, विच हैज मोर प्रोटेक्शन पावर, गोल्ड नंबर लिख दिए हैं, ए या बी, ए या बी, आंसर अगेन यहां पर क्या है, ए, क्योंकि प्रोटेक्शन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा प्रोटेक्शन पावर कम, राइट, तो ए में यानी कि 10 mmol डालते ही, 10 mg डालते ही 1 liter आपके 1 liter बोलो 10 ml सॉल्यूशन, 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन आ गई। सेकंड केस में आपने बेटा 20 mg डाले हैं, राइट, 20 mg डाले हैं अपने प्रोटेक्टिव कोलाइड के, तब जाके आपके 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन आई, तो कौन सा बेटर है, ए बढ़िया है ना, सिंपल, इसको आंसर कर दो जल्दी से, इसको आंसर कर दो, इफ 20 mg ऑफ कोलॉइड इज एडेड इन 100 ml गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोएगुलेशन फाइल गोल्ड नंबर, बहुत ध्यान से समझना, तो बेटा 100 ml के अंदर आपने 20 mg डाला अपना प्रोटेक्टिव कोलॉइड, तो आपकी कोएगुलेशन रुक गई, तो यानी कि 1 ml में कितना हो जाएगा,
20/100 यानी कि 10 ml, क्योंकि गोल्ड नंबर डिफाइंड ही 10 के लिए है, कितना हो जाएगा? बात समझ आ गई? तो आंसर क्या आ गया? 2 mg. कुछ रटे क्या? कुछ रट्टा मारा? फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड से सिंपल आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, आया समझ? क्लियर हो गया? ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, आप आराम से अब इनको कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन करो, वेरी इजी, जल्दी से आंसर कर दो इसका। बेसिकली ये टेस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन टेस्ट ले रहा है आपका, क्या आपने मेरी बातें सुनी है या नहीं। ये वाला वैसा क्वेश्चन है। मैंने यहां पर प्रोटेक्टिव कोलाइड स्टार्च को लिया है, स्टार्च वॉज माई प्रोटेक्टिव कोलाइड। आंसर करो, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, गलती कर रहे हो, मिलीग्राम में आंसर देते हैं यार, मिलीग्राम में आंसर देते हैं, हमारे को इतना पता होना चाहिए, जो बस आंसर हमारे को मिलीग्राम में करना है। यार बोल रहा है 1 ml 10% NaCl डाला, 10 ml गोल्ड में टू प्रिपेयर 0.25 g स्टार्च, द कोएगुलेशन इज प्रिवेंटेड, व्हाट इज द गोल्ड नंबर? ये ग्राम में है, बस इसको कन्वर्ट कर दो मिलीग्राम में, बस इसको कन्वर्ट कर दो मिलीग्राम में, क्या 250 मिलीग्राम आपका आंसर हो गया? हाँ या ना, डू यू एग्री? हाँ या ना, डू यू एग्री? 2.5 नहीं, 250 मिलीग्राम, आपको बस इसको मिलीग्राम में कर देना, दैट्स इट, कि कितना मिलीग्राम आपने प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला उसकी वजह से आपका कोएगुलेशन रुक गया। तो बता रखा है 0.25 g स्टार्च डालने से रुक गया काम, राइट? तो उसको, और आपको गोल्ड भी दे रखा है कितना, यहाँ पर 10 ही दे रखा था, यानी कि ये मिलीग्राम में बस कन्वर्ट करके आंसर लिख दो, 250 आंसर आ गया। चलो बढ़िया, ये भी हो गया। गोल्ड सॉल ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, जल्दी बताओ गोल्ड सॉल कैसे बना सकते हैं, आज की क्लास में देखा है, जल्दी से बता दो। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द राइट आंसर? यार आई सी, जल्दी बताओ, कौन सा मेथड हमने उठाया था? कोलॉइड मिल नहीं, नॉट अ वेरी गुड मेथड। कोलॉइड्स जो बढ़िया काम करेगा, ब्रेडिक्स, राइट? ब्रेडिक आर्क मेथड, बहुत बढ़िया। कोलॉइडल सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज इज, हाँ ये इंफॉर्मेशन है, ये याद ही कर लोगे। कौन सा स्किन डिजीज में कोलॉइडल सॉल्यूशन काम आता है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, ये याद करना, किसी को पता है? सल्फर सॉल, ये याद कर लो, सल्फर सॉल, ये लर्न ही कर लो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद कर लो, ठीक है? चलो चलो चलो, एक सेकेंड, ये दो बार क्यों आ गया? हाँ अब बताओ गोल्ड नंबर। हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेटा जेई में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेई में देखने को मिल जाएंगे, आपको गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स आर मेंशन, ये सारे गोल्ड नंबर है। आपसे बोलता है प्रोटेक्शन पावर के बारे में कमेंट करो, तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। हमारे को पता है जितना कम गोल्ड नंबर उतनी बढ़िया प्रोटेक्शन, उतना ही कम अमाउंट आपको डालना होगा अपने सॉल के अंदर और कोएगुलेशन रुक जाएगी। क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी से बता दो, आपके सामने डेटा है, डी सबसे कम है तो D की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इतना देख के आंसर देते तो आप छूटते ही आंसर देते, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है जहां पर D की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हो। क्यों भाई, कितने बच्चों ने ऐसा काम किया? D का प्रोटेक्शन पावर सबसे ज्यादा होगा, होगा भाई होगा, आंसर आ गया ऑप्शन सी, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, आ गया समझ। मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड इन द कोलॉइडल स्टेट बाय कौन से मेथड से? यार एक डायलिसिस है, ये मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा, इसको जरूर पढ़ लेना, सिंपल सा प्रिंसिपल, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, डायलिसिस मेरी तरफ से एक होमवर्क रहेगा कि डायलिसिस को जरूर पढ़ लेना, ठीक है? हाँ तो ये मेरी तरफ से डायलिसिस का बस प्रोसेस पढ़ लेना, दैट्स इट। तो इसका आंसर भी ब्रेडिक्स आर्क मेथड, सिंपल। चलो हाँ नेक्स्ट है गिव्स हेलमोट्स डबल लेयर थ्योरी। अब ये क्या चीज है ये समझ लेते हैं, विल बी डन विद दैट।
ये क्या चीज होती है ये समझ लेते हैं, ये सी क्या चीज होती है ये समझ लेते हैं। ऑलराइट, अब सुनना, हमने देखा था कि जो कोलॉइड्स बन रहे हैं, बेसिकली कोलॉइड के ऊपर, जैसे हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था पीपीटी के ऊपर, आपका प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हुआ और उस पर चार्ज आ गया। मान लीजिए आपके पीपीटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके बैठ गया तो आपका पॉजिटिव सोल बन गया। पर बेटा जब आप पीपीटी के ऊपर कोई चीज डाल रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहेंगे। हाँ, इतना मुझे समझ आता है। किसी बच्चे ने वहां पे पूछा भी था, सर व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए आपने पॉजिटिव सोल बनाया तो आपके पास आपके कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई, उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर, जो हमारे को पता था कि हाँ अगर आप बोल रहे हो पॉजिटिव सोल है तो एक कोलॉइड के ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्ज लगे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट लेयर। इस लेयर को हमने क्या बोल दिया फर्स्ट लेयर। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है और एक लेयर बन जाती है। आप नेगेटिव सोल भी ऐसे ही बना सकते हो, मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल दिया है तो ऐसा बन गया। अब बेटा इस पॉजिटिव लेयर के ऊपर, अब क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट भी तो घूम रहा है, वो आकर बैठ जाता है, एक दूसरी लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। ये थ्योरी थी गिब्स हिल्मोंट्स डबल लेयर थ्योरी कि यार एक दूसरी लेयर भी आएगी और ये दूसरी जो लेयर है ये मूवेबल है, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं इसको, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं इसको। सेकेंड लेयर इज गोइंग टू बी मूविंग, राइट। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले सकते हो, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। मान लीजिए आपने AGI लिया, मान लीजिए आपने AGI लिया, ये आपका कोलॉइड था, इसके ऊपर बेटा मान लीजिए A- आके बैठ गया, I- सॉरी, तो ये आ गई आपकी पहली लेयर। व्हाट इज दिस लेयर, फर्स्ट लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला था, हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था यहां पे KI, अब यहां पर K+ भी है, ये बेटा सेकेंड लेयर बना लेता है, दिस विल मेक सेकेंड लेयर, एंड दिस सेकेंड लेयर वुड ऑलवेज बी मूविंग, दिस सेकेंड लेयर वुड ऑलवेज बी मूविंग, इसका नाम हो गया कौन सा, डिफ्यूज लेयर, फर्स्ट लेयर डिफ्यूज लेयर। अब क्योंकि दो लेयर हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की एक नेगेटिव चार्ज की, इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा, जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम जीटा पोटेंशियल बोल देते हैं। That's it. बस इतना ही था, आपको बस पढ़ लेना है, समझ लेना है, इतना सा सुना है आपने। ये NCERT में नहीं है, FYI, this is not an NCERT. ये NCERT में नहीं है, तो यहीं पर मैंने बता दिया, इसको सुन लो, बस आपको जानना था ये थ्योरी, इतनी सी आपको पढ़ लेनी थी। मैंने रेलेवेंट थ्योरी डाल दी है यहाँ पर, ये प्रॉपर रेलेवेंट थ्योरी मैंने डाल दी है, यू कैन ऑलवेज रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। समझ आ गया, समझ आया। तो ये थ्योरी दी गई कि यार एक दूसरी लेयर भी रहती है, उसे डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल रहता है जिसको हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ आ गई, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ये भी समझ आ गया। अब आ गए हम, बच्चों पता है हम लास्ट पार्ट पे आ गए चैप्टर के, वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड। आज बात करेंगे डेल्टा की, बात करेंगे वो आफ्टर शेव लोशन की, 2 मिनट के अंदर। इमल्जन, बेटा इमल्जन एक स्पेशल कैटेगरी है आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन की। स्पेशल कैटेगरी क्यों, क्योंकि ये दो लिक्विड का सॉल्यूशन है और ये दोनों लिक्विड है इमिसिबल है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल ऑयल एंड लिक्विड, ऑयल एंड वाटर, आई एम सॉरी। तो बेसिकली ऑयल और वाटर को जरा मिक्स करने की कोशिश करो, नहीं होता ना, नहीं हो पाता ना, करेक्ट। पर कुछ कुछ एग्जाम्पल नेचर में मिलते हैं जहाँ पर ऑयल और आपका वाटर मिले हुए होते हैं, तो ये दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। इमल्जन क्या है, एक स्पेशल मिक्सचर है विच इज हैविंग टू immiscible liquids, it's a mixture of two immiscible liquids, and best example है इसका oil and water। इसके दो categories हैं, इसके दो categories हैं, oil and water, example है इसका milk जो आप पीते हो and vanishing cream, साथ ही साथ water and oil। तो basically ये दो तरह के से होता है, यानी कि एक बार पानी के अंदर आपने oil डाला है, एक बार oil के अंदर आपने पानी डाला है, major component oil था उसके अंदर पानी डाला है, example butter and cream। मिल्क इसका एग्जाम्पल है, पानी के अंदर आपने ऑयल डाला है, मिल्क उसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली आप देख सकते हो दो लेयर्स है जो इमिसिबल है पर किसी तरीके से मिल गई हैं, किसी तरीके से आपने इन्हें मिला दिया है। अच्छा, अगर आप पानी और ऑयल को मिलाने चलो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप नहीं मिला पाओगे उन्हें, पर अगर हम इमल्सीफाइंग एजेंट्स का इस्तेमाल करें, किसका, इमल्सीफाइंग एजेंट्स का, बेसिकली ये डिटर्जेंट्स हैं जो इन दोनों लेयर को मिलाने में काम आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना, चर्चा कर रहा था मैं कि ये जो एग्जांपल था इमल्जन का,
पहले के टाइम पे दूध को बहुत नकली बनाया जाता था, बहुत खराब चीज थी वो, एडल्ट्रेशन थी और नकली दूध बहुत मिल रहा था। एंड इट इज कम्प्लीटली वाइट, बिल्कुल आप देख कर पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा क्या नाम है असली है कौन सा नकली है। एंड पीपल यूज टू सेल इट ऑफ और काफी लोग मरे भी थे, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस नकली दूध, राइट, नकली मिल्क। तो वो क्या करते थे, ऑयल और आपका एक कंपोनेंट है ऑयल, आपका एक कंपोनेंट है वाटर, इन दोनों को मिलाना है आपको, तो वो यूरिया और डिटर्जेंट का सहारा लेते थे। इमल्सिफाइंग एजेंट वहां पे डिटर्जेंट था और वो दोनों चीजों को जोड़ देता था, पानी यूरिया को जोड़ता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया एक पानी, सॉरी पानी आपका पोलर कंपाउंड हो गया और यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, दोनों मिलने नहीं वाले, पर आप इन्हें मिलाते थे यूजिंग डिटर्जेंट। और इसका कलर इतना बढ़िया, झाग भी बिल्कुल दूध जैसा देता था, बिल्कुल दूध जैसा झाग निकलता था इसके अंदर, जो फोम बनता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। और वो यही कर रहे थे, इमल्जन क्रिएट कर रहे थे बाय यूजिंग डिटर्जेंट एंड यूरिया। समझ पाए ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब तो नहीं होता, इट्स नाउ गवर्नमेंट हैज कंट्रोल्ड ओवर इट, हैज अ प्रॉपर कंट्रोल नाउ, यू नो पहले बहुत होता था, अब रुक चुका है, खत्म हो चुका है। पहले नकली दूध बहुत होता था और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा होता था, वहां पर ज्यादा देखने को मिलता था, क्लियर। तो वहां पर वो यही चीज कर रहे थे, इमल्जन बना रहे थे डिटर्जेंट और आपका इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करके, दो जो स्टेट्स हैं, ये जो दो इनमिजिबल लिक्विड्स हैं उन्हें आप मिला रहे थे, ठीक है, अंडरस्टूड। इसे इमल्जन बोलते हैं, याद कर लेना, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल, पिक्चर भी डाल दी है आपने, जैसे तैसे कर दिया है। नेचुरली मिल्क इज एन एग्जाम्पल विच यू ड्रिंक, बटर क्रीम इज एन एग्जाम्पल, राइट, इमल्जन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बढ़िया, ठीक है। ओए ओए रचित वार्ष्णेय, डू नॉट से सर आपने नहीं समझाया, मैंने जो पॉइंट था फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर समझाया था कि रोल क्या है प्रेशर का और आपके उसका टेम्परेचर का, मैंने प्रॉपर ग्राफ के साथ समझाया था। बेटा कहीं किसी की भी वीडियो देख ले, जाकर खुला चैलेंज दे रहा हूँ, किसी की भी वीडियो चेक कर ले, किसी ने भी ऐसी चीज़ नहीं समझाई होगी जो मैंने ग्राफ के साथ कनेक्ट किया था, राइट। सबने नॉर्मल एक ग्राफ समझाए होंगे पर मैंने वहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा समझाई थी कि कैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन के साथ अगर आप कर्व नोटिस करो, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या रिलेशन आएगा, टेम्परेचर का क्या रिलेशन आएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे और केमिकल एड्सॉर्प्शन पे, डिटेल में समझाए थे, ठीक है। ऐसा मत बोल यार कि सर नहीं समझाया, आ जाओ लास्ट कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। देखो नदी जो होती है जब वो समुन्द्र में गिरती है, नदी जो रिवर्स, उसमें बेटा रिवर्स में क्या रहता है, मिट्टी रहती है, क्ले रहती है, क्ले होता है एक नेगेटिव सॉल्ट। हम समझ रहे हैं डेल्टा कैसे, आइलैंड कैसे बनता है, तो क्ले रहती है नेगेटिव। जब ये नेगेटिव सॉल्ट नीचे समुंदर में जाकर गिरता है, समुंदर में बेटा आपका नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है Na+ नेचुरली प्रेजेंट है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाती है और वो आपकी क्ले इकट्ठी होती रहती है, न्यूट्रलाइज होती रहती है और आपको पूरा आइलैंड मिल जाता है, डेल्टा आइलैंड्स आर क्रिएटेड बाय दैट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड और डेल्टा समझ आया, कैसे बनाते हो, पॉइंट नंबर वन। ये किसकी एप्लीकेशन है, आपके एड्सॉर्प्शन की, और आप बेसिकली अगर देखा जाए कोलॉइड्स के थ्रू बन रहा है, ठीक है, तो ये आप सरफेस केमिस्ट्री में इसके फंडे समझ रहे हो। साथ ही साथ बेटा जो आप आफ्टर शेव लोशन, आप तो डेफिनेटली इस्तेमाल अभी नहीं करते लेकिन आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा बड़े जल्दी हो जा रहे हैं, यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ हेयर ऑन देयर फेस, राइट, तो काफी लोग शायद कर भी रहे हो। तो उसमें क्या होता है, अगर आफ्टर शेव लोशन आपने देखा हो, जाना हो, जब शेव के बाद अगर कोई कट लग जाए बाई चांस शेविंग करते हुए, तो ब्लड जो होता है वो आपका नेगेटिव सॉल होता है, राइट, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव होता है ब्लड का, पर अगर ब्लड की बात करें नेगेटिव होता है। उसके ऊपर आप आलम रगड़ देते हो, आलम इज नथिंग बट एल्यूमिनियम रहता है, राइट, वो एक पॉजिटिव सोल है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठंडा कूलिंग इफेक्ट मिलता है और आपका वो जो कट है वहां पे ब्लड क्लॉट कर जाता है ना, समझ गए, यस और नो। तो क्लॉटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोएगुलेशन, इफ द वुंड इज देयर अप्लाई आलम एंड यू नो काम हो जाता है, यस, क्लियर हो गई ये बात, ऑल डन ऑल सेट। तो ये आपके दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी थे, मैंने और समझा दिए, मैंने खूब एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताया सरफेस केमिस्ट्री के, यहाँ पर और कनेक्ट कर दिए, लास्ट पिछले लेक्चर में भी थे, ठीक है, बढ़िया। पेप्टाइजेशन क्या है जल्दी से बता दो, पेप्टाइजेशन क्या है, एवरी वन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज पेप्टाइजेशन,
पेप्टाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इंटू कोलाइडल सॉल्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन बी. गोल्ड नंबर लायोफिलिक सॉल्ट का, यू नो गोल्ड नंबर ऑफ अ लायोफिलिक सॉल्ट इज सच अ प्रॉपर्टी दैट, जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. गोल्ड नंबर की अगर वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, पेप्टाइजेशन पावर ज्यादा होगी. यस और नो, यस और नो. और पेप्टाइजेशन या प्रोटेक्टिव, आई एम सॉरी मैं पेप्टाइजेशन बोल गया. तो लोअर द वैल्यू ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग पावर. ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पेप्टाइजेशन क्या होता है, किसने बोला पेप्टाइजेशन, नो मैंने यहाँ पे बी देख लिया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया. करेक्ट, चलो आ जाओ. प्रोटेक्टिव सॉल, प्रोटेक्टिव सॉल क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ प्रोटेक्टिव सॉल क्या है. प्रोटेक्टिव सॉल लायोफिलिक होता है, लायोफोबिक होता है, या नहीं कुछ भी नहीं होता, वी कांट कॉमेंट, या दोनों हो सकता है. बिल्कुल सही, लायोफिलिक होता है. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, इसको आंसर करो, जल्दी से इसको आंसर करो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको आ जाओ. आ जाओ जल्दी से आंसर करो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान नहीं हो सकता. गोल्ड नंबर आपको बता रखा है हीमोग्लोबिन का, कुछ ये है. 100 ml gold salt will require hemoglobin that the gold is not coagulated by. बहुत ही सिंपल हो गया. आपको गोल्ड नंबर दे रखा है, यानी कि इसका मतलब 10 ml गोल्ड सोल्यूशन के अंदर बेटा आपको कितना अपना लायोफिलिक सॉल्ट डालना पड़ा जिससे प्रोटेक्शन हो जाए, 0.03 मिलीग्राम. करेक्ट, तो एक में कितना डालना पड़ेगा, 3/10, 0.03/10. तो 100 में कितना डालना पड़ेगा इनटू 100, तो क्या आंसर आ गया, 0.3. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. यस, सिंपल सिंपल, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल आपको काम करना है, दिमाग में रखना है गोल्ड सॉल्ट इज डिफाइंड फॉर 10 ml, दैट्स इट. ठीक है, तो 100 के लिए पूछ लिया गया, 100 के लिए पूछ लिया गया, दैट्स इट. और क्या काम किया, ऑल राइट, वी आर डन, चैप्टर इज ओवर. हाउ इज एवरीवन डूइंग, आज हमने इसको बहुत जल्दी से खत्म कर दिया. ऑल इज डन, यस ऑल इज वेल, ऑल इज डन. एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, यू नो अगर वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दो, शेयर नहीं करा जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को. एवरीवन इन द चैट बॉक्स लेट मी नो कि सर सब कुछ कर दिया है, लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है. आई एम लविंग द वीडियोस, आई एम लविंग द लेक्चर्स, आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विदाउट पेइंग अ सिंगल डाइम. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द मेन एंड एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट फ्रॉम यू सर, लेट मी नो. और बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, टीचिंग मजा आ रहा है, मेथड्स अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर लिखो यार कॉमेंट बॉक्स में कि यार मजा आया सर, दिस वॉज द पार्ट आई एंजॉयड द मोस्ट, आई वुड अप्रिशिएट दैट, है ना, राइट, ऑसम. सो नेक्स्ट चैप्टर बेटा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा पी ब्लॉक, विल बी गोइंग फॉर पी ब्लॉक. हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे बेटा. और अगर आप चाहते हो कि वन शॉट में खत्म करूं पी ब्लॉक की, दो वीडियोस बना दो सर जिसमें आप पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप वन शॉट में कर दो, लेट मी नो, वो भी बताना चैट बॉक्स में, आई विल थिंक अबाउट इट. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सक्राइब कर दिया है, जान लो जरा. अगर कोई बच्चा यहाँ पर है और कहता है सर मुझे मेंटोरशिप चाहिए, टीचर की गाइडेंस ज़्यादा चाहिए, थोड़ी ज़्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए, चाहता हूँ कि मेरे डाउट्स प्रेफरेंशियली सबसे पहले सॉल्व किए जाएं, क्योंकि अगर डाउट सॉल्व नहीं होता ना सर, जब मैं पढ़ाई करता हूँ सेल्फ स्टडी के बाद डाउट सॉल्व करता हूँ, अगर वो मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो पाए तो ना मुझे बुरा लगता है, फील नहीं आती और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है. तो बेटा कम फॉर प्रो वेदांतु प्रो, वी हैव वेरियस ऑप्शंस, आई विल टॉक ऑल अबाउट इट. पर प्रो में होता क्या है, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेंटोरशिप, ज़्यादा टीचर का सपोर्ट, ज़्यादा हैंड होल्डिंग, ज़्यादा आपका ध्यान रखा जाता है, जो आपके डाउट्स हैं उनको प्रायोरिटी में सॉल्व किया जाता है. सारी क्लासेस लाइव होती हैं, कॉन्टेंट डाउनलोडेबल होता है, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं मैं दिखाता हूँ कैसे पढ़ाते हैं, वो भी दिखाऊंगा, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो, सारा कॉन्टेंट डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड करने के बाद उन पर खूब पढ़ाई वढ़ाई करो, आपका CBT मोड पर टेस्ट होगा, टेस्ट का रिजल्ट मम्मी पापा के साथ शेयर किया जाएगा. अगर आप प्रो प्लस लेते हैं, वेदांतु की प्रो प्लस आपको प्लेटफॉर्म पे जाने का एक तरीका है, प्रो प्लस आपको जब आप लोगे तो बेटा आपको यहाँ पर हर एक चीज़ कराई जाएगी. यहाँ पर PTM भी होती है, पर्सनल टीचर मीटिंग होती है,
पर्सनल टीचर मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग, सॉरी पर्सनल टीचर बोल दिया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपको पर्सनल टीचर का एक असिस्टेंस मिलता है, जो टीचर सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड रहता है। अगर आपकी 11th कमजोर है, आपको डाउट बहुत सारे हैं, आप चाहते हो कि वो भी सारे क्लियर हो और मुझे अभी 12th के भी जो डाउट्स है मैं कॉल पे कनेक्ट कर सकूं और सर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मेरे जो डाउट्स है वो प्रायोरिटी में सॉल्व करें, देन गो फॉर प्रो प्लस। इट्स अ ब्यूटिफुल वे, इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ गेटिंग योर गेटिंग ऑल दी डाउट्स, ऑल दी अनसर्टेनिटीज रिजॉल्व। बहुत बढ़िया तरीका है, अभी बताऊंगा कैसे लेना है। डाउट ऐप का सपोर्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। डाउट ऐप के सपोर्ट में बेटा जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आई, टेक अ पिक्चर एंड यू आर गुड, गुड टू गो। क्लास टीचर, मास्टर टीचर आर देयर टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद देम व्हेन द क्लास इज ओवर। आप उनके उसके बाद भी टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। कैसी फील आती है प्लेटफॉर्म की, जरा देख लो, ये हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, ऑफकोर्स बहुत अमेजिंग रहता है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, आप आए, आपको ग्रीट किया जाता है व्हाट्सअप, हाय हेलो किया जाता है, फिर हम यहाँ पर लिख कर भी पढ़ाते हैं, कंटेंट प्री रिटन भी रहता है, लिख कर भी पढ़ाते हैं, प्री रिटन भी रहता है, और फिर जो भी पढ़ाया बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपको समझ आया, बच्चे ने बोला यस, किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मुझे इतना समझ नहीं आया, तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं, अनकैम अनम्यूट कर सकते हैं और आपस में बात करके वो डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ पढ़ाने के बाद बेटा लास्ट में हम देते हैं आपको क्विजेस, कि बेटा जो भी पढ़ा आप चलो क्विज करो, आपको पूरा ऑप्शंस मिलते हैं, आप पूरा इंटरेक्ट करते हो, आपकी पूरी क्लास की परफॉर्मेंस सामने आती है आपके, ठीक है। जैसे ये आपके पर्सनल नाम की बच्चे ने इतने सही आंसर दिए, लीडर बोर्ड पे आपका नाम आता है कि बच्चे ने इतने आंसर सही दिए, आपका स्कोर क्या रहा, सब कुछ आता है। तो और ट्रस्ट मी बच्चा बहुत खुश होता है अपने नाम यहाँ देखकर, दे फील एम्पावर्ड, दे फील मोटिवेटेड, उन्हें अच्छा लगता है और एंथू आता है, लिटरली बहुत एंथू आता है, बच्चा इस पार्ट का बहुत वेट कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में आप देते हो फीडबैक, फीडबैक में बताते हो कि सर ये चीज़ें रही हैं, मुझे मजा आया, हम उस फीडबैक को एनालाइज करते हैं, वी मेक द क्लास बेटर एंड बेटर फॉर यू। नाउ वी ऑल्सो हैव VIP, इसका अगर आपने अब तक फायदा नहीं उठाया तो यू आर मिसिंग आउट। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, वेदांतु आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आप वेदांतु आओ, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट पे आपकी एक रैंक सेट कर दी जाएगी, प्रिडिक्ट कर दी जाएगी रैंक। वेदांतु का काम यह है उस रैंक से आपको ऊपर उठाना, और अगर वो रैंक हम ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं राइट, तो बेटा आप अपने पैसे वापस ले जाओ। नाउ यू आर थिंकिंग कि सर हम पैसे वापस ले सकते हैं, ऐसा कैसे है? कोई कंडीशन होगा? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, बस आपसे एक चीज़ चाहते हैं कि दैट यू अटेंड ऑल, ट्राई टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स 75%। हम जानते हैं बच्चा बीमार भी हो सकता है, कुछ फैमिली काम, फैमिली में कुछ फंक्शन भी हो सकता है, कोई बहुत एक्स वाई जी चीज़ें आ सकती है। That's the plane. All right. तो हम जानते हैं बच्चे के साथ कुछ ना कुछ और आ सकता है, कोई एक्स वाई जी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम आपसे बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप 75% क्लासेस में आ जाओ, अटेंडेंस आपकी 75% हो या उसके अबव बहुत बढ़िया, और टेस्ट में भी अगर आप 75% सारे टेस्ट, अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं 75 आप दे रहे हो, तो वी विल मेक श्योर कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अगर नहीं हो रही है, टेक योर मनी बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एक मेल डालो आपको पैसे वापस कर देंगे एट दी एंड। मतलब ये पूरा एक साल का कोर्स, जो बड़ा वाला कोर्स ले रहे हैं पूरे साल का, यू कैन आस्क फॉर योर मनी बैक, नोबडी वुड से एनीथिंग। हाउ ऑसम इज दैट, हाउ ऑसम इज दैट, ठीक है। कैसे अवेल करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं दिखा देता हूँ कैसे अवेल करना है। एंड दिस, यस यस यस, जो बच्चे 21 को टारगेट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से हर दिन पढ़ना बहुत जरूरी है। 24 तारीख से ये चीज स्टार्ट हुई है, ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, 90 पावर पैक सेशन, सब कुछ रिवाइज करेंगे आप लोगों के साथ, बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। और हाँ इतना ही नहीं, इसमें CBT मोड पर आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे, तो 20 टेस्ट का प्रॉपर आप CBT मोड पर लिखोगे विद प्रॉपर एनालिसिस, आप अपना इंप्रूवमेंट करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू अपना कंटेंट रिवाइज करोगे। हाउ ऑसम इज दैट, सो ये बहुत अमेजिंग वे है। 10,000 का कोर्स था, बट इफ यू विल यूज द लिंक, अभी दिखाता हूँ कैसे, हाउ यू हैव टू यूज द लिंक, जस्ट गो इन द वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे, दिस इज आवर वीडियो राइट, ये हमारी वीडियो है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो पहले DPP है, देख लो भैया, ये आपकी प्रो की सब्सक्रिप्शन, ये आपका क्रैश कोर्स, क्लिक ऑन द क्रैश कोर्स, क्लिक, सीधे ले जाएगा कि दिखाएगा 10,000 का है, अभी दिखा रहा है 10,000 का है। जैसे ही बाय करोगे, मैंने यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट करवाएगा, ये जनरेट कर लेना, मैंने कर रखा है, आपको सीधे 4,000 का ऑफ, मेरा कोड लग गया है HMCC, यू आर पार्ट ऑफ वेदांतु बाय जस्ट पेइंग, अपना डिजायर्ड मीडियम यूज कर लो और आप वेदांतु का हिस्सा बन जाओ। अगर आप 12th में हो, मैं बोलूंगा प्रो प्लस इज माय रिकमेंडेशन,
बी अ पार्ट ऑफ पेड प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा मेंटोरशिप, ज्यादा टीचर का कनेक्ट, ज्यादा आपके डाउट सॉल्व होंगे, प्रायोरिटी पे आपके डाउट सॉल्व होंगे। और अगर डाउट सॉल्व नहीं होते ना, बच्चा जानता है ये बात, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये प्लेटफॉर्म आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, आपको बिल्डअप करेगा फॉर योर जेई, आपका लेवल बिल्डअप करेगा फॉर योर जेई, ठीक है, फॉर मेन एंड एडवांस। और ये कोर्स जब आप लेते हो तो बेटा पूरा एडवांस तक की गारंटी हम ले रहे हैं आपकी, ठीक है। वेदांतु के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, जो भी चैप्टर की रिविजन चल रही है, लास्ट में क्रैश कोर्स आते हैं वो सब फ्री हो जाता है, चाहे बोर्ड्स के क्रैश कोर्स हो, चाहे जेई के क्रैश कोर्स हो, वो सब फ्री हो जाता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं एट दी एंड, वो सब फ्री हो जाता है। यू बिकम अ प्रायोरिटी कस्टमर, अ प्रायोरिटी व्हाट यू कॉल, आप हो यार मेन, आपके लिए ही होता है फिर वो। तो यहां पर आप आओगे, मैं आपको यहां पर सिंपल सा दिखा देता हूं। यहां पर तीन सब्सक्रिप्शन है, लाइट, क्लासिक, प्लस। मेरा रिकमेंडेशन प्लस है बिकॉज इट हैज एवरीथिंग। यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सपोर्ट है। आई नो थोड़ा सा प्राइजियर है, थोड़ा प्राइसी, प्राइस के पॉइंट में थोड़ा महंगा है, पर यहाँ पर आपको पर्सनल टीचर, आपको यहाँ पर पर्सनल टीचर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सपोर्ट मिल रहा है, राइट? हाउ ऑसम इज दैट। तो पूरे साल का मैं रिकमेंडेशन करूँगा, समवन इज लाइक कि सर मेरी 12th अच्छी है, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, सॉरी मेरी 11th अच्छी है, मैंने अच्छे से पढ़े किए हैं, जिसकी 11th कमजोर है गो फॉर प्लस। जिसको लगता है कि मेरी 11th बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, गो फॉर क्लासिक, माय सेकंड रिकमेंडेशन, गो फॉर क्लासिक। देन कंप्लीट बाय फुल ईयर, आपने फुल का क्लिक करा, फुल पे क्लिक कर दिया, सीधे कोड लग जाएगा, यू हैव टू पे 45,000, दिस इज फॉर योर एनुअल सब्सक्रिप्शन टिल जेई एडवांस विल बी हियर, ठीक है। हम आपको मेक श्योर करेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे कि आपकी हर एक चीज रिजॉल्व हो। हाउ ऑसम, ठीक है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, पे एज पर योर नीड, कोई सा भी एज पर योर लाइकिंग, बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट है, एंड या यू आर गुड टू गो। Understood? सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? आई होप यू हैव enjoyed एंड सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक, राइट? हर एक बच्चे को क्लियर हुआ है, आई थिंक आई हैव डन my जॉब here, ये चैप्टर आज खत्म है। यस, आई वुड बी वेटिंग फॉर यू guys टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड yes, FYI, little FYI, आई टीच 11th and 12th on the platform. If you want to learn from me in English, I'm teaching this in English. मेरे batch दोनों English में है, so you can be a part of it. My batch name is Sankalp JC English. Right? This is my 12th class batch. For 11th class, I am taking Drishti JC. And this is also mode of instruction is also English. ठीक है? JC batch. Awesome. That's it from my side. See you next time. If you have loved the video, do let me know in the chat box. Like this video immediately. If you haven't already, subscribe to this channel. ठीक है? चलो. Awesome. God bless you. Keep learning. Keep evolving. Much love. Bye-bye. See you next time.